वालमु और जान लो मालूम कर लो क्या चीज न माँ बेशक वो जो माँ अल्ली के मानो में यहां इस्तेमाल हो रहा है वो जो क्या गनिम तुम गनीमत हासिल की तुमने मिन शई इन किसी भी चीज में से गनिम तुम कलफ़ गनम से है गनम बकरियों को कहते हैं गनिम अशी का माना होता है किसी चीज का बगैर किसी बदल के हासिल करना और लफ्जी माना होता है कहीं से बकरियां हाथ लगना फिर आस्ता आस्ता हर वो चीज जो दुश्मन से या दुश्मन के अलावा किसी और से हासिल हो और खूस फ़तह के बाद उसको गनीमत कहा जाने लगा इन गोया बिला मुआवजा किसी चीज का हासिल होना माल मुफ्त जिसे आप कह सकते हैं और यहां इशारा है जंग बदर में हासिल होने वाले उस माल की तरफ जो फतह के बाद यानी फतह के बाद मुसलमानों को मिला था गुफार का माल इसको माल मुफ्त क्यों कहा जा रहा है या इसे गनीमत से क्यों ताबीर किया जा रहा है ताकि ये बात वाज हो जाए कि यह जंग का बदला नहीं या जिहाद का सिला नहीं या जिहाद इसलिए नहीं किया गया जंग इसलिए नहीं लड़ी गई कि तुम्हें कोई माल हासिल हो ये तो सरासर एक इनाम है जो तुम्हें इस मौके पर मिला क्योंकि जब अल्लाह के रास्ते में निकलने की पुकार आ जाए कॉल आ जाए तो वो निकलना तो फरीजा है तो फरीजा अदा करने पर तो इंसान को बस ये इतमान होना चाहिए कि उसने अपने हिस्से का काम कर दिया मजीद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए लेकिन अल्लाह सुबहान तआला अपनी खास रहमत से मजीद भी अता कर देता है पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत की इब्तदा में कि जब जंग बदर में मुसलमानों को माल गनीमत हासिल हुआ तो चूंकि उससे पहले कोई कानून नहीं था तो उनके जहनों में सवाल पैदा हुआ कि यह किस तरह तकसीम होगा तो उस मौके पर तो कहा गया कि तुम अल्लाह से डरो और अपने ताल्लुका की असलाह करो और मजीद कुछ हिदायत दी गई अखलाक तरबियत की गई और अब यहां आकर इस आयत में यानी आयत नंबर इकतालीस में चालीस आयतों के बाद उस सवाल का जवाब दिया गया कि वो जो तुमने सवाल किया था अब तुम जान लो कि जो भी गनीमत तुम हासिल करो मिन शई इन कोई भी चीज किसी भी किस्म की थोड़ी हो या ज्यादा कीमती हो या मामूली कुछ भी जो हाथ आए तो उसे क्या करो एक जगह लाके रख दो और फिर वहां से बाजाबता तकसीम करो तकसीम से पहले किसी भी माल को अपनी मर्जी से इधर उधर करना या उसका मालिक बन बैठना खयानत था उसे गिल करार दिया गया पीछा पढ़ चुके हैं कि माकान अल नबीन अयुल या अतिबी मगल्ला योम किया अब इसको तकसीम कैसे किया जाएगा कि इसके पांच हिस्से किए जाएंगे यानी माल गनीमत में से जो कुछ मिला उन सबको इक्वली पांच हिस्सों में डिवाइड किया जाए यानी पांच ढेरियां बना दी जाए उस माल की और उनमें से चार उस जंग में शरीक होने वालों में तकसीम की जाए और पांचवा हिस्सा जिसका यहां पर कायदा बताया गया उसे उस कायदे के मुताबिक तकसीम किया जाए तो वो चार हिस्से मुजाहिदीन में भी किस तरह तकसीम होंगे जो लोग पैदल या प्यादा जंग में शरीक हुए हों उनको एक हिस्सा और जो सवार हो उनको तीन हिस्से क्योंकि उन्होंने अपनी सवारी भी साथ ली और पांचवा हिस्सा किसके लिए फिल्ला ही खुमो तो बेशक अल्लाह के लिए है उसका पांचवा यानी अल्लाह ताला उसे जैसे चाहे तकसीम करने का हुक्म दे क्योंकि अल्लाह ताला को तो माल नहीं चाहिए तो अल्लाह की तरफ क्यों नस्बत की गई कि यह तकसीम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी वलर रसूल और रसूल के लिए यानी अल्लाह और रसूल उसमें फैसला करेंगे और वो फैसला किस तरह होगा कि इस पांचवें हिस्से को भी फिर पांच हिस्सों में तकसीम किया गया एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लिए और आपकी अजवाज के लिए आपके मुतलकिन के लिए आपके अखराज के लिए और अगर उसमें से भी कुछ बच जाता तो आप उसको मजीद घोड़े या असला खरीदने में इस्तेमाल करते वल इजिल कर्बा दूसरा हिस्सा उसका बा के लिए रिश्तेदारों के लिए किसके रिश्तेदार? नबी रिश्दार अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, और उनमें से भी खास तौर पर बनु हाशिम और बनुल मुत्तलब, यानी इन दो के लिए वल यतामा और यतीमों के लिए बिन बाप बच्चों के लिए वल मसाकीन और मिसकीनों के लिए वबन सबील और मुसाफिरों के लिए तो बाकी तीन हिस्से इन तीन ग्रोहों पर कौन कौन यतामा, मसाकीन और सबील और इस तरह खुमस तकसीम हो गई पांच हिस्सों में यानी सारे माल के कितने हिस्से किए जाएंगे पांच चार उसमें से किसके जंग में शरीक होने वालों के किस एतबार से वो भी कैसे तकसीम होंगे एक हिस्सा प्यादा के लिए और तीन हिस्से सवार के लिए यानी एक और तीन की नस्बत से उन चार ढेरियों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाएगा पांचवा हिस्सा जिसका यहां जिक्र किया गया जिसे खुम्स कहा जाता है और यह लफ्स आपने आमतौर पर भी सुना होगा ये फिर किस तरह तकसीम होगा पांच हिस्सों में उसमें से एक नबी सलम के लिए और आपके अजवाज और अहल बैत के लिए किस लिए क्योंकि उनका नान नफका आपके जिम्मा था अरबों के हाँ ये रिवाज था कि जब माले गनीमत हासिल होता उन्हें तो जो सरदार होता था उसको चौथा हिस्सा मिलता था उसको मिरबा कहते थे लेकिन यहाँ पर पांचवा हिस्सा रखा गया और उसको भी पूरे का पूरा फिर सरदार के लिए नहीं बल्कि उसमें औरों के भी हिस्से लगाए गए और और कौन कौन है रसूल के रिश्तेदार और यतामा मसाकीन और मुसाफिर अब आप देखें कि यह तकसीम कितनी अदल पर मबनी है और इस माल में सिर्फ उनको हिस्सा नहीं दिया गया जिन्होंने कोई जिदोजहद की या कोशिश की अगरचे उन्हें अप्रिशिएट किया गया दूसरों के मुकाबले में उन्हें ज्यादा दिया गया लेकिन सोसाइटी के वो अफराद जो मोहताज हैं मस्किन हैं, जरूरतमंद है और फिर उसके अलावा आप सल्ला व रिश्तेदार और खुद आपके लिए क्योंकि बहरहाल आपकी कुर्बानियां सबसे ज्यादा थी तो इसमें आप देखिए कि सबको कुछ ना कुछ उसमें से मिला जब माल की सही तकसीम होती है तो उसका नतीजा क्या होता है माश्रे के अंदर एक सुकून और एक खुशहाली और एक इत्मीनान और अमन कायम होता है यह तकसीम इससे पहले नहीं थी अरब माशरे के अंदर वहां क्या था कि जिसके हाथ जो लगे वो उसको लूट ले और जो लूटा जाए उसमें से चौथा हिस्सा सरदार को मिल जाए बाकी गरीब मिस्किन यतीम मुंह देखते रहे इनकुन तुम आमन तुम बिल्ला अगर हो तुम ईमान लाए अल्लाह पर अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है, तो इससे क्या पता चलता है कि खमुस की तकसीम ईमान का तकाजा है ये भी ईमान का हिस्सा है वमा अनजल और जो नाजिल किया हमने अला अब देना अपने बंदे पर इशारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनको अल्लाह ने अपना बंदा कहा उनकी इज्जत और तशरीफ के लिए और जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर क्या नाजिल किया था अपने बंदे पर परिश्ते नाजिल किए थे उनकी मदद के लिए और कई खुली खुली निशानियां कब अल फुरकानी फुर्कान के दिन योम फुर्कान किस दिन को कहा गया जंगे बदर के दिन को कौन सा दिन यो मलत अल जम जिस दिन मिली थी आमने सामने हुई थी दो जमाते जमान जम उन से तस्निया है दो जमाते दो ग्रोह कौन कौन से एक मुसलमानों का ग्रोह और दूसरे कुरैश का ग्रोह वल्लाह और अल्लाह अलाकुल्लिश इन कदीर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है यानी इसमें बहुत बड़ी निशानी है जो अल्लाह ने तुम्हें बदर के दिन दिखाई और इस बात का यहाँ जिक्र क्यों किया गया कि बदर के दिन तुम्हें जो कुछ मिला जो गनीमत तुम्हारे हाथ आई वो अल्लाह के इजन से थी और अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों और उसके हुक्म से उसकी दी हुई ताइद और उसकी भेजी हुई मदद के जरिए मिली तुमको जिस दिन हक को बातिल के दरमियान फैसला हो गया फर्क हो गया इस बात में किस कदर हिकमत है आमतौर पर होता यह है कि जब भी कभी कोई माल तकसीम हो या लोगों के दरमियान किसी चीज का हिस्सा किया जाए तो लोगों के अंदर कभी भी मुकम्मल इत्मीनान नहीं होता अमूमन दबी दबी शिकायत रह ही जाती कि शायद हमें हमारा हक पूरा नहीं दिया गया तो ऐसे मौके पर क्या कहा गया कि याद रखो कि ये जो कुछ भी तुम्हें मिला ये तुम्हारी कोशिश का नतीजा नहीं था इसलिए इसमें से जो भी तुम्हें मिल गया तुम उस पर क्या करो मुतमिन हो जाओ राजी हो जाओ ये मिला था तुम्हें अल्लाह की मदद से अल्लाह की तरफ से जब उसने अपने बंदे पर योमल फुरकान को जब दो जमाते आमने सामने थी फरिश्तों के जरिए मदद की थी तयद की थी और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है वमान वा जल्ला से बराध और वो वक्त भी याद रखो या वो मौका याद रखो इस नेमत को लेते हुए और इसकी तकसीम के हुक्म को सुनते हुए कि ये सब कुछ अल्लाह के इजन से हुआ है इससे क्या खास बात समझ में आती है? यानी आयत की इस तरतीब से क्या बात पता चलती है? हमारे लिए इसमें सीखने की क्या बात है इससे मिलता जुलता मजमून पीछे भी गुजर चुका है विरासत की तकसीम के मौके पर कि जब विरासत की तकसीम के मौके पर कुछ रिश्तेदार और कुछ बच्चे वगैरह हाजिर हों तो क्या करो उनको भी कुछ दे दो और उनको भली बात कहो कूलम कौलम मारूफा डांड डपट के बात नहीं करो उनका दिल नहीं तोड़ो और उनके साथ बेरुखी से पेश नहीं आओ बल्कि उनको भी सेटिस्फाई करो तो इससे ये पता चलता है कि एक तरफ माली तकसीम हुकूक की अदायगी और दूसरी तरफ अच्छी बात क्योंकि अलकल मतुक ये तो सदका अच्छी बात भी सदका है यानी सदका सिर्फ माल का नहीं होता अच्छी बात का भी होता है क्योंकि बाजूकत इंसानों के अंदर ना इंसाफी का या जुल्म का या महरूमी का जो एहसास होता है उसको दूर करना भी जरूरी होता है और ये चीज भी माशरे के अंदर खूबसूरती या खुशहाली पैदा करती है बहुत सी चीजें यानी इंसानों के दरमियान जो बाह तालुका होते हैं वो महज दो और दो के उसूल पे नहीं होते कि इंसान ये कहे कि ये तुम्हारा हिस्सा था मैंने तुम्हें दे दिया अब तुम जाओ मेरे सर से उतरो ऐसे नहीं मामला किया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मौके पर तकसीम करते हुए क्या कहते हैं कि ये वो है जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में दिया और जो अल्लाह ने आखिरत में तुम्हारे लिए रखा वो इससे बेहतर है कि जहां माल की बात हुई दुनियावी चीजों की बात हुई वहां हमेशा आखरत या उससे बेहतर या उससे ज्यादा अच्छी चीज की तरफ भी तवज्जो दिलाई ताकि दुनिया की मोहब्बत और हिर्स बंदों के दिलों में जगा ना पाए वरना जब दुनिया की मोहब्बत दिलों में घिर जाती है तो इंसान बुलंद मकासद के लिए काम नहीं कर सकता अगर किसी भी इंसान के अंदर इस हद तक खुदगर्जी घिर जाए या पड़ जाए कि इंसान हर वक्त जमा तफरीक करता रहे और सिर्फ कैलकुलेशंस करता रहे तो उससे खुशहाली और खुशगवारी नहीं आ सकती फिर तो अमूमन क्या होता है कि हिस्सा लेने के बावजूद हक लेने के बावजूद भी इत्मीनान नहीं क्योंकि वो जो हिरस है ना वो नहीं खत्म होती तो इसी तरह जब आप हाँ बच्चों की तरबियत करें मसलन घर में या अपने शागिदों की करें या कहीं भी ऐसे लेन देन के कोई मामले हों तो हमेशा साथ कोई बात ऐसी जरूर करें कि जिससे उस तंग दिली या हिर का साथ साथ खात्मा हो क्योंकि उहदरतिल अनहुसु शह दिलों में वो शह जो है वो रख दी गई है ना ये है हमारे अंदर तो इसका साथ साथ इलाज होना जरूरी है वरना अगर ये बढ़ जाए तो फिर इंसान एहसान नहीं कर सकता फिर मजीद तबसरा फरमाया दुनिया आगे चुके मुसलसल जंग बदर के कुछ हालात पर तबसरा होगा तो मैं चाह रही थी कि उस वे हसना से भी आपको जंग बदर के हालात पढ़कर सुना दू ताकि री इन्फोर्समेंट भी हो जाए और फिर ये आयात मजीद वाजे होकर समझ में आ जाए गदर रसूल सल्हस को इतला पहुंची कि शाम से कुरैश का एक तजारती काफिला अबू सुफियान की सरकरदगी में आ रहा है इस काफले में बेशुमार शुमार दौलत थी और ये वही काफिला था जिसे मक्का से शाम जाते हुए मुसलमानों ने रोकना चाहा था मगर इत्तेफाकन बच निकला अब उसकी वापसी की खबर आई तो आपने लोगों को चलने की दावत दी तीन सौ से कुछ ज्यादा आदमी लेकर रवाना हुए जो सब के सब पैदल थे सवार कोई भी न था सिर्फ दो घोड़े और सत्तर ऊंट साथ थे जिन पर बारी बारी, बारी बैठते थे यानी वो सांझे थे सब के थे सवार से मुराद यहाँ क्या है कि अपनी पर्सनल सवारी जो मुस्तकिल हो जब मकाम सफरा में पहुंचे तो दो जासूस खबरें लाने को भेजे इधर अबू सुफियान को भी हजरत वसल्लम के इरादे की खबर पहुंच चुकी थी और उसने जमजम बिन अलगफारी के जरिए अहले मक्का को सूरत हाल से आगाह कर दिया था उन्होंने जू ही ये सुना अपने काफिले को बचाने के लिए कमर बस्ता हो गए सरदारों में से कोई एक शख्स भी न था जो फौज में आकर शामिल न हुआ हो सिवाय अबू लहब के अब आप देखें अल्लाह ताला ने उन सब को खत्म करने का कैसा इंतजाम किया सब निकल आए उसने अपनी जगह दूसरा शख्स भेज दिया सिर्फ यही नहीं बल्कि गिरदोपेश के कबायले अरब को भी दावत दी गई नहीं सिर्फ मक्का वाले नहीं थे बल्कि आस के इलाकों में से भी लोगों को निकाला गया बुलाया गया बनी अदी के अलावा तमाम कबाइ ने लब्बैक कहा और सब जमा होकर बड़े करो फर के साथ चले इसका भी आगे जिक्र आएगा कि किस तरह वो निकले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरैश के इस साजो सामान से चलने का हाल मालूम हुआ तो साहबा के सामने सूरत हाल पेश करके मशवरा तलब किया महाजरीन ने नहायत दिल खुशकुन जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया जिससे आपका दिल खुश हो गया मगर अंसार खामोश थे आपने फिर पूछा तो मुहाजिर बोल उठे मगर अंसार बदस्तूर खामोश थे इन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया तीसरी मरतबा जब फिर सवाल किया अब आप देखिए आप वसल्लम किस तरह मामला करते हैं आपने उनको ये नहीं कहा भी तुम क्यों चुप हो? अपना सवाल दोहराया तीसरी मरतबा जब फिर सवाल किया तो अनसार समझ गए कि हमसे जवाब चाहते हैं चुनाच सात बिन मास खड़े हो गए कि रसोल्ला आपका रुए सुखन हमारी तरफ है और वाक भी यही था क्योंकि अंसार ने सिर्फ मदीना के अंदर हिफाजत और हिमायत का वादा किया था कब बैत अबा के मौके पर और अब मामला मदीना के बाहर दरपेश था इसलिए खामोश थे कि हमारी लिमिट्स कहां तक है साद ने कहा शायद आप ये समझते हैं कि अंसार मदीना के बाहर आपकी हिमात और इताद जरूरी नहीं समझते लेकिन मैं अंसार की तरफ से कहता हूं कि आप जहां जी चाहे जाइए जिससे चाहे मिलिए जिससे चाहे लड़िए जितना चाहे हमें दीजिए जितना चाहे हमसे ले लीजिए और जो चाहिए हमें हुक्म दीजिए हम हर हाल में ताबे फरमान हैं और आपके साथ हैं आपकी रस्सी से हमारी रस्सी की गिरा बंध गई है हम किसी हाल में भी अलग नहीं हो सकते बखुदा अगर हमें इस समुन्दर में घुस जाने का इशारा करेंगे तो भी हम हिचकिचाएंगे नहीं सीधे घुसते चले जाएंगे और दूसरी रिवायत में क्या पड़ा था कि अगर आप हमें बरकुल की तरफ जाने को कहेंगे तो हम वहां तक भी जाएंगे इस मौके पर हजरत मकदाद ने क्या खूब ही कहा था या रसोल्ला हम वो नहीं जो कहेंगे जो मूसा की कौम ने मूसा से कहा था अरेम इसब अंत व अबू का फकिला इन्ना हा हो ना का बल्कि हम आपके दाए बाएं आगे पीछे लड़ेंगे और बेपरवाही से सरफरशी करेंगे रसूल सल्हसम ने ये हिम्मत अफजा जवाब सुने तो खुशी से चेहरा मुबारक रोशन हो गया अब आप देखिये कि एक बैरूनी मुकाबले के लिए बहुत जरूरी था कि पहले अंदर के लोग और आपके साथ ही आपस में एक दूसरे के साथ मुतफिक हों जुड़े हुए हों और ये चीज मशवरे के बाद आई आपने ये नहीं कहा कि एक फैसला किया और सबको ऐलान सुना दिया कि वो चुके जाना है हमें इसलिए जिसका जी चाहे वो निकल आए और हम जा रहे हैं अगर आपको सवाब हासिल करना तो आप पीछे आ जाए ये नहीं कहा बल्कि जमा किया उनको जहनी तौर पर तैयार किया और उसके बाद साथ लेके चले और यही मशवरे का फायदा होता है कि सबके अंदर काम करने का एक नया जज्बा पैदा हो जाता है क्योंकि मकसद सामने होता है इस मौके पर आप सलम ने फरमाया मुसलमानों चलो तुम्हारे लिए बशारत है अल्लाह ने दो में से एक ग्रोह के देने का मुझसे वादा फरमाया है पीछे पड़ चुके ना मैं दुश्मनों की सरबरीदा लाशें देख रहा हूं इधर मुसलमान आगे बढ़ रहे थे उधर अबू सुफियान साहिल के रास्ते से होकर खतरे से बच निकला था उसने रास्ता तब्दील कर लिया जब उसे पूरी तरह इतमान हो गया तो कुरैश को जो बदर की तरफ पेशकदमी कर रहे थे लिखा कि लौट आए किसने कहा अबू सुफियान ने वो जो काफिला या लश्कर करो फर के साथ निकला था मक्का से उसे क्या कहा कि मैं खैरियत से पहुंच गया तुम वापस आ जाओ क्योंकि कारवां बिल्कुल बच गया है जफा में कुरैश को यह खत मिल गया था और उन्होंने लौटने का इरादा भी कर लिया मगर अबू जहल माने हुआ कहने लगा बखुदा खुदा हम बदर तक तो जरूरी जाएंगे वहां उतरेंगे आराम करेंगे अरबों को खूब खाने खिलाएंगे पीछे खर्च करने की बात हुई ना कि खर्च किया उन्होंने और और भी करेंगे और फिर हजरत ताकि हर तरफ हमारी धाक बैठ जाए अखनस बिन शराक ने अबू जहल की तजवीज की सख्त मुखालफत की और वापसी पर बहुत जोर दिया मगर कुछ सुनवाई न हुई जिस पर वो नाराज होकर मां अपने कबीले के लौट गया बनू हाशिन ने भी वापसी के लिए बहुत हाथ पांव मारे मगर अबू जहल ने एक न सुनी और कहने लगा वल्लाह तुम हमारा साथ छोड़ के हरगिज न जाने पाओगे यानी तुम वापस नहीं जा सकते दूसरी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम बराबर पेशकदमी करते चले आए यानी बदर की तरफ बढ़ते गए यहां तक कि शाम के वक्त बदर के करीबी कुएं पर पहुंच गए और साहबा से मशवरा किया कि कहां उतरना बेहतर होगा खुबाब बिन अल खुबाबिन ने अर्ज किया अल्लाह मुझे इस इलाके का हाल अच्छी तरह मालूम है अगर अंदर चलकर वसत में उतरना पसंद फरमाएं तो वहां मीठे पानी की अफरात है हम अभी चलकर दुश्मन से पहले पहुंच जाएंगे और कुरब जवार के कुएं बंद कर देंगे कुरैश भी पानी पर कब्जा करने की गर्ज से तेज तेज चले आ रहे थे मगर मुसलमान पहले पहुंच गए और अच्छी जगहों पर कब्जा कर लिया मंजिल मकसूद पर पहुंचकर आपने हजरत अली और जुबैर को हालात की जस्तजू के लिए भेजा कि मालूम करें मजीद वो कुरैश के दो गुलाम गिरफ्तार कर लाए आपने उनसे दरियाफ्त किया कुरैश कहाँ है उन्होंने कहा इस टीले के पीछे पूछा कितने हैं उन्होंने लाइलमी का इजहार किया फरमाया अच्छा रोज कितने ऊँट जुबा करते हैं उन्होंने जब तादाद नहीं बताई पूछा अच्छा ये बताओ रोजाना कितने ऊंट जुबा करते हैं उन्होंने कहा किसी दिन दस और किसी दिन नौ इस पर आपने फरमाया उनकी तादाद नौ सौ और हजार के दरमियान है यह है हिकमत और समझदारी और फरासत उस रात मुसलमानों की कोच में एक बड़ी सहूलत उस ताइद गैबी से हुई कि अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए मगर दोनों समतों में बारिश की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी मुसलमानों की तरफ जोर कम था छींटे पड़ के रह गए जिससे मौसम खुशगवार हो गया मुजाहिदीन से गुबारे सफर दूर हो गया दिलों और जिस्मों में ताजगी आ गई रेत बैठकर जमीन इसकाबिल हो गई कि तेजी से सफर हो सके लेकिन कुफ् की तरफ बारिश मूसलाधार थी जिससे उनके कूच में सख्त दिक्कत पैदा हो गई पूरे लश्कर का चलना मुश्किल हो गया चिराचे मुसलमान उनसे पहले ही पहुंच गए जल्द जल्द हौस बनाकर पानी महफूज कर लिया और बाकी कुएं बंद कर दिए इस मौके पर रसूल के ठहरने के लिए सामने की पहाड़ी पर छप्पर का साहबान बनाया गया जिसमें जाने से पहले आपने मैदान में चक्कर लगाया मैदान बदर में और हाथ के इशारों से बताते गए की इस जगह इनशाला फुला सरदार कत्ल होगा और इस जगह फुल होगा बाद में देखा गया तो हर शख्स बताई हुई जगह पर खाको खून में आलूदा पड़ा था जब मुशरकिन के दस्ते भी सामने आ गए तो अल्लाह के रसूल ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ शुरू की यानी जब फौज सामने आ गई तो दुआ की अल्लाह महादि ही कुरैश जा अत جاءت लिहा व फख रिहा का व रसूलक फिर जोश में दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और अपने रब को पुकारा मा इन्नी अहदक व इतना कहना था कि पीछे से हजरत सिद्दीक चिमट गए और अर्ज करने लगे या रसूल अब फवल नफसी बी दही लयन जजन अल्लाह का मावा अदक तमाम मुसलमानों ने भी तजर और जारी शुरू की चूकी ये सारी बातें आज दोबारा आगे दोहराई जाएंगी इसलिए बेहतर है कि इनको बार सुन तरतीबारे आयात समझने में आसानी हो कि कहा दुआ की कहा जिक्र हुआ कहाँ क्या तमाम मुसलमानों ने भी जारी शुरू की और अल्लाह की तरफ से मलायका को हुक्म हुआ इन्नी माकुम फुल्ल न आमनु सउुलदी न कफर वो अन्नी मुमिदी मुर्दिफीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु सल्लाह वहाँ पहाड़ी पर रात भर एक दरख्त के तने के सामने नमाज में मसरूफ रहे ये जुमे की रात और सत्रह रमजान दो हिजरी की तारीख थी सुबह हुई तो फरीकैन सफ आरा हुए इजल तकल जमान आमने सामने हुई दो जमातें आजरत सल्लम ने मुसलमानों की सफों को बजाते खुद कायम किया जंग शुरू हुई उस वक्त आप हजरत अबू बकर के साथ पहाड़ी पर साइबान में थे सात बिन माज एक अंसारी दस्ते के साथ दरवाजे पे खड़े पहरा दे रहे थे जो जो जंग तेज हो रही थी आप दुआओं में भी मजीद जारी कर रहे थे यहां तक के आलम बेखबरी में शानों पर से चादर भी गिर पड़ी यानी इतनेक से दुआ कर रहे थे हजरत सिद्दीक ने बढ़कर चादर उड़ाई और कहा या रसूल अल्लाह आपकी मुनाजात रब्बल्जत तक पहुंच गई वो जरूर अपना वादा पूरा करेगा न उस वक्त कुछ गुनूदगी तारी हुई और हालत जंग में मुसलमानों को भी नींद ने आ घेरा एक लम्हा के बाद आप होशियार हुए और जोश से फरमाया अबू बकर बशारत हो ये लो जबरीला आ गए गुब्बारे सफर अब तक उन पे मौजूद है अल्लाह ताला ने अपना लश्कर ला उतारा है अपने पैगंबर और मोमिनी ने सादकीन की नुसरत फरमाई और कुफ्फार को इनके कब्जे में कर दिया कि कैद करें और कत्ल करें कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि जंग के नतीजे ने पेशन गोई लफ्स बलफ्स पूरी कर दी मुसलमानों को फतह हुई कुफार को शिकस्त हुई सिर्फ चौदह मुसलमान शहीद हुए कुफार के सत्तर आदमी मकतूल और सत्तर कैद हुए जब जंग खत्म हुई और मुश्किन पीट फेर के भाग खड़े हुए तो रसूल वसल्लम ने फरमाया कोई देखे कि अबू जहल ने क्या किया अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाकर तलाश किया तो क्या देखते हैं कि बेहिस पड़ा है अफरा के लड़कों माज और मुआवज ने ऐसा वार किया कि वो फिर न उठ सका अब्दुल्लाह को उसके हाथों बड़ी तकलीफें पहुंची थी कौन से अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन मसूद को देखते ही आगे बढ़े और दाढ़ी पकड़ के बोले तू ही है अबू जहल उसने आंखें खोल दी और बेचैनी से पूछने लगा फते किसकी हुई उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की और उसके रसूल की ऐ दुश्मन खुदा क्या तुझे खुदा ने रस्वा नहीं किया उसने नखोबत से कहा यह फख उस जिसे उसकी कौम ने कतल कर डाला है अब्दुल्लाह ने सर तन से उतार लिया और रसुल्ला की खिदमत में लाकर डाल दिया देखते ही तीन मरतबा फरमाया अला फिर कहा अल्लाह अकबर अल्हदुल्ला हजमहब वाह चलो मुझे दिखाओ कहा पड़ा है लाश देख कर बोले ये इस उम्मत का फिर था जंग के बाद रसुल्ला और मुसलमान कैदी और माल गनीमत लेकर कामयाब होकर रवाना हुए सफरा में पहुंचकर माल गनीमत तकसीम कर दिया अब आप देखें सासद वही आ रही थी सासद तालीम का सिलसिला जारी था और उस कायदे के मुताबिक तकसीम भी फौरन कर दी और बहुत शान शौकत से मदीना में दाखिल हुए हर तरफ दुश्मनान इस्लाम मरूब हो गए मदीना के बहुत से कुफार इस्लाम में दाखिल हुए इसी मौके पर अब्दुल्ला बिनुबई भी मुसलमान हुआ था जिनमें एक मशहूर मरूफ मुनाफिकब्ल बिनूबई था जो दिल में बाद में हमेशा कुफार के साथ ही रहा बहरहाल ये जंग बदर पर मुख्तसर सा नोट है जो आपके सामने दोबारा इसलिए रखा है ताकि आप आइंदा आयात को अच्छे से समझ सकें। इस अंतम बिलौद दुनिया जब तुम उदवा दुनिया की तरफ थे उदवा उद्वा का लफ्ज़ी माना होता है किनारा जानिब तरफ सम्त उदन की जमा जैसे हुदा लिखते हैं ना हुदन इसी तरह उदन आन से रूट भी इसका यही है अंदालिये उद्वा की जमा उदन है अदुनिया दुनुब से है करीब को कहते हैं करीब की तरफ इशारा है मदीना की तरफ जैसे कि आपको बताया गया था कि बदर के मैदान में चारों तरफ क्या थे टीले थे पहाड़ थे तो मुसलमान किस समत में थे मदीना वाली समत में वहम और वो वो कौन कुफ्फार कुरैशल कु दूर के किनारे की तरफ थे उदवा किनारा ये टीला अल दूर वाला कुसवा जो है काफ स्वाद ये से है मस्जिद अक्सा सुना होगा आपने कुरान पाक में भी आता है अक्सा कहते हैं दूर की जगह को तो बिल उदव कुस्वा दूर वाली तरफ यानी मक्का की तरफ मदीना से जो साइड दूर थी उसकी तरफ और अब तक ये टीले या ये जगह इन्हीं नामों से मारूफ हैं। यानी बदर के आसपास के इलाकों में जो भी पहाड़ थे अरबों के यहाँ पहाड़ों के भी नाम होते थे ये टीले वगैरह तो जहां मुसलमानों की फौज थी उसका नाम अब भी क्या है उद्वतित दुनिया और दूसरा उद्वतुल कुस्वा अब यहां पर जो फौजों की पोजीशन थी वो बताई गई कि तुम कहां थे और वो कहां थे वर और काफिला राकिब की जमा रकब कौन सा काफिला तजारती काफिला जो शाम से मक्का जा रहा था असफल अमिन कुम असफल निचली तरफ था सुफला और साफिल और साफ़िलीन मिन कुम तुम से तुम से निचली तरफ था यानी जिस जगह तुम थे वो जगह ऊंचाई पर थी और काफिला वहां से तकरीबन तीन मील के फासले पर साहिल समुन्दर के करीब से होके गुजर गया था ये मुराद है यानी कुफार मक्का से आ गए मुसलमान मदीना से आ गए वो उदब कुस्वा के पास ठहरे ये उद्वय दुनिया के पास ठहरे और काफिला जो था वो बच के निचली तरफ से नशेबी तरफ से मक्का वापस चला गया वकब असफल असफल निचले को कहते हैं तो नशेबी जमीन यानी जहां मुसलमानों की फौज थी वो जरा ऊंचा इलाका था वलव तवाद तुम और अगर तुमने वादा मुकर किया होता यानी एक दूसरे से वादा कर रखा होता किस चीज का जंग लड़ने का लख तलफ तुम अलबत्ता तुम इख्तिला करते फिलमी आद मी आद में मी आद इसम जरफ है मुकर्र वक्त या मुकर दिन जरफ जमान है यानी अगर जंग का बाकायदा वक्त और तारीख मुकर्र होती लड़ने का एक मकाम मालूम होता तो फिर तुम ना लड़ते यानी अगर बाकायदा प्लैंड और मुकर तय शुदा तारीख के साथ जंग होती तो लड़ नहीं सकते थे क्यों क्योंकि मुसलमान कुफार के मुकाबले में बहुत थोड़े थे लेकिन अब ये तो इतफाक हुआ ना कि वो निकले थे काफिले के पीछे काफिला बच के निकल गया जो काफिला छुड़ाने को आए थे वो भी किसी वजह से वापिस नहीं गए और यूं इत्तेफाक से दोनों ग्रोह आमने सामने आ गए उद्वय दुनिया और कुस्वा में ऐसा क्यों हुआ इसमें अल्लाह की मशीयत थी अल्लाह ऐसा ही चाहता था अब आप देखें कि बाजुकात हालात और असबाब हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ हो जाते बरक्स हो जाते और इंसान मुश्किल में पड़ जाता है इंसान कुछ चाहता है और अल्लाह ताला उसको किसी और तरह के हालात से साबका डाल देता है ऐसे में अमूमन इंसान परेशान होता है और उस वाक या उस मुश्किल वक्त की हिकमत समझ नहीं आती कि इसके पीछे आखिर क्या चीज होगी अब यहाँ अल्लाह ताला वो मकसद और वो हिकमत सामने ला रहे हैं। वलाकिन लेकिन ले किन लियक दी अल्लाह ताकि फैसला कर दे अल्लाह किसको कहते हैं फैसला करने काजी इसी से ताकि फैसला कर दे अल्लाह अमरन एक काम का काना है मफऊला होकर रहने वाला यानी अल्लाह ताला ने जंग का होना लिख दिया था और बगैर मियाद के सबको इकट्ठा कर दिया ताकि वो काम हो जाए जो अल्लाह के इल्म में था और वो क्या काम था कि मुसलमानों का रोब कायम हो मुसलमान कामयाब हो, मुसलमान फते हो, तो अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो अल्लाह चाहता था वो हो गया इसमें एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए क्या अमूमन होता यह कि जब भी हालात हमारे मुआफिक नहीं होते काम हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं तो हम अमूमन परेशान हो जाते हैं और हम घबरा उठते और क्या कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा क्यों हुआ होता या नहीं छोटे से छोटी मुश्किल को देख लें ले या बड़ी, बड़ी मुश्किल को तजुर्बा करके देख लें हर एक अपना अपना जायजा ले ले छोटा सा भी कोई गम आएगा या परेशानी आएगी या मर्जी के खिलाफ बात होगी तो उस वक्त तो हमारे दिल का हाल क्या होता है फौरन शैतान वसू से डालने लगता है तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद कोई नहीं और तुम्हारा कोई अमल कबूल को नहीं और आजमाइश क्यों आई ये तकलीफ क्यों आई मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ तो बड़ी जाति हो गई और तरह तरह की नारवा किस्म की बातें दिलों से उठने लगती और बाज उसको मुंह से भी बोलने लगते कम ही ऐसा होता है कि हम जिंदगी में पेश आने वाले चैलेंजेस को मुश्किल को हार्डशिप्स को अपने फेवर में समझें और उनसे कोई सबक सीखें हम आसानी चाहते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देता है क्यों क्यों पैदा करता है मुश्किलें ताकि उस मुश्किल में डाल के हमें वो और पक्का करे और पुख्ता करे मजीद निखारे ताकि वो चीज जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख है वो होकर रहे देखिए हर कामयाबी के लिए रिस्क लेना पड़ता है रिस्क लिए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एक जहाज को उड़ना होता है क्या वो रिस्क से खाली होता है एक फ्लाइट नहीं आप घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर रिस्क से खाली होते हैं आप नहीं रोज निकलते हुए कम से कम एक दफा तो ख्याल आता है कि खैर से पहुंचे और खैर से लौटे या नहीं आता है ना अब आप देखें के? आप कहे की नहीं मैं तो नहीं ये रिस्क ले सकती और बेहतर है घर ही रहो तो रहे घर ना ले रिस्क क्या होगा वो काम तो नहीं होगा जो आपको करना है छोटा काम हो या बड़ा काम हर उड़ान के साथ रिस्क है हर मुश्किल के साथ आसानी और हर आसानी के साथ मुश्किल भी है अल्लाह ने ये दुनिया अजदाद की बनाई है इम्तिहान के बगैर दर्जा बुलंद हो नहीं सकता अगर कोई शख्स सिर्फ आसानियों से ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता तो सबसे ज्यादा आसानियां दुनिया में किसको दी जाती अल्लाह के रसूल वसल्लम को अपने हबीब को अल्लाह तला सबसे ज्यादा आसानियों में रखता लेकिन आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल किसकी जिंदगी में आई अल्लाह के रसूल सलाम की जिंदगी आपने क्या हमें तलकीन किया कि जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, वो मेरी मुश्किल को याद कर ले मेरी मुश्किल को याद कर ले जब इंसान दूसरों पर पढ़ने वाली मुश्किल को याद करता है तो अपनी नियमतों की कदरदानी कर सकता है तो वो शुक्र उठती है दिल से और अगर इंसान दूसरों को मिलने वाली नेमतों को देखता रहे तो अपनी नेमतें कभी नजर नहीं आएंगी कभी शुक्रगुजार नहीं होगा सिर्फ रोता ही रहेगा कि मैं क्यों मुश्किल में हूं तो बाजुकात इंसान कुछ और प्लान कर रहा होता है लेकिन अल्लाह ताला कुछ और प्लान करता है वलौ तो तुम लखतलफ तुम फिल्मियाद अगर तुम एक दूसरे से वादा कर चुके वक्त मुकर कर लेते तो वक्त मुकर्रा पर ना पहुंचते क्योंकि तुम्हें क्या होता ये डर होता कि अभी हम कमजोर हैं और कामयाब ना हो सकेंगे तुम पसपाई इख्तियार कर लेते वलाकिन, लेकिन लियदी अल्लाह अमरन का न मफूला अल्लाह का तरीका यही है लिया का मन हला का अम्बय न तिन यह था अल्लाह का प्लान इस टकराव में इस मुकाबले में सूरत हाल वाज हो जाए आइंदा के लिए मुसलमानों के लिए राहें हमवार हो जाए ताकि हलाक हो मन हलाक है जिसे हलाक होना ही है यानी कुफर को अम्बै न तिन दलील वाजह के साथ और वाज दलील क्या थी कि मुसलमान कम तादाद में होते हुए भी कामयाब हो गए एक बड़े लश्कर के मुकाबले में जो इस बात का वाज सबूत था अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ है तो ये अल्लाह की तदबीर थी कि इस तरीके पर यानी इस टकराव के साथ हलाक होने वाले को एक दलील वाजे के साथ हलाक कर दे वह या और जिंदा रहे यानी इस्लाम या मुसलमान मन मनहैया जिसे जिंदा रहना है यानी आइंदा के लिए किसको फते याब होना है वो अभी से वाजे हो जाए अम्बयत एक खुली निशानी या खुली दलील के साथ और वो खुली निशानी क्या थी मुसलमानों की फता कमजोर होने के बावजूद व इन अल्लाह और बेशक अल्लाह ताला आलीम अलबत्ता सुनने वाला जानने वाला है इद युरी अब ये का हुआ कैसे जब वो दिखा रहा था तुझको उन्हें युरी वो दिखा रहा था वो कौन अल्लाह का तुझको कौन नबी अलैहि वसल्लम हम उनको वो कौन कुरैश यानी कुफार, कुफार के लश्कर को तुम्हें अल्लाह दिखा रहा था अल्लाह अल्लाह तालामी का तुम्हारे ख्वाब में नींद में यानी ख्वाब में मनाम नाम से कलीलन थोड़ा कुफार का लश्कर अगरचे बड़ा था लेकिन तुम्हें कम दिखाया गया वल्लव और अगर अरा का वो दिखाता तुझे हम उनको कसीरन ज्यादा लफशिल तुम अलबत्ता तुम हिम्मत हार जाते तुम पस्त हिम्मत हो जाते वला तनाजा तुम और अलबत्ता तुम बाहम झगड़ने लगते फिल अमरी उस मामले में वला किन्न अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ने सलम बचा लिया सलामयूसम तस्लीम यानी सलामत रखा किस से बुजदिली से और तनाजे से बाहम झगड़े से बिजात सुदूर बेशक वो जानने वाला है दिलों के भेद सुदूर सदर की जमा है सीने को कहते हैं और सीने में चूंकि दिल होता है इसलिए दिल के ख्याल मुराद हैं जाति सुदूर से यानी जो तुम्हारे दिलों में था इरादों में था वो सब उसको अच्छी तरह मालूम था यहां जो झगड़े की बात की गई है वो किस झगड़े की तरफ इशारा है और किस तनाजे की तरफ आमतौर पर होता यह है कि जब इंसान के पास मादी या जाहरी वसायल कम होते हैं या इंसान को बाहिर कोई मुश्किल पेश आती तो अमूमन लोग उसे कबूल करने की बजाय आपस में एक दूसरे पे बात डालने लगते हैं आरा मुख्तलिफ हो जाती देखे कि जब कामयाबी के चांसेस ज्यादा नजर आए तो अमूमन टीम में इतफाक होता है लेकिन जब कामयाबी के चांसेस कम हो जाहरी कुछ वजुहत की बिना पर तो अमूमन इख्तलाफ राय होता है एक दूसरे को इस तरह के मशवरे दिए जाते हैं कि अब नहीं निकलो कामयाबी नहीं हो सकती और उसके नतीजे में फिर हौसले टूटने लगते हैं इंसान बुजदिल होने लगता है क्योंकि आप देखें ना अगर तादाद ज्यादा नजर आती तो इनके दिलों में क्या होता कि हम मुकाबला नहीं कर सकते अच्छा मुकाबला नहीं कर सकते तो फौरी ख्याल क्या आता ना निकले और तरह तरह के मशवरे आने लगते या मुकाबला ना करें या वापस पलट चलें और उसके नतीजे में इख्तलाफ हो जाता लेकिन अल्लाह ने बचा लिया उसे मालूम है कि लोगों के दिलों में क्या है वह इस यूरी और जब वो दिखा रहा था तुम्हारी नजरों में उनको यूरी कुमु कुमु असल में कुम ही था इसको लंबा खेंचा गया इसको इश्बा कहते हैं और ये कलाम में खूबसूरती के लिए है वरना इससे माने पे कोई फर्क नहीं पड़ता असल में यूं था व इस यूरी कुम हुम इसको पढ़ना मुश्किल है ना इस यूरी कुम हुम की बजाय इस युरी कुमु हुम बोलने में सहूलत इससे ज्यादा है जब वो दिखा रहा था यूरी कुम तुमको हम उन्हें इजल तकई तुम जब तुम मिले यानी एन जंग के मैदान में फी आयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों में कलीलन थोड़ा व युकलु कुम फी आ और वो तुमको कम करके दिखा रहा था युकलिल किससे है कलील से और वो तुम्हे कम करके दिखा रहा था फी आ उनकी निगाहों में यानी कुफार मुसलमानों को कम नजर आ रहे थे और मुसलमान काफिरों को कम नजर आ रहे थे दोनों एक दूसरे को कम नजर आ रहे थे क्यों ताकि वो भाग न जाए अगर उस वक्त वो ये देखते कि मुसलमान बहुत ज्यादा हैं तो क्या होता वो ठहरते नहीं देखिए कि इब्तदाई कताल में क्या नजर आया हुँ? यानी थोड़ा नजर आए लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई तो फिर काफिरों को मुसलमान अपने से दुगना नजर आए सूरत आले आयत थर्टीन में यह मजमून गुजर चुका है व उखरा का फिर रायल यम तो वो देख रहे थे मुसलमानों को अपने से दुगना हुँ? असल में ये हुआ कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की खुद सफबंदी की और उनको सीधी सफों में नहीं खड़ा किया हॉलो स्क्वायर की शक्ल में खड़ा किया कैसे यानी चारों तरफ से यूं अब उससे क्या हुआ कि बीच में तो जगह खाली थी हुँ? लेकिन फैलाव उसका ज्यादा नजर आ रहा था तो उससे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मुसलमान हजारों की तादाद में है और ये आपने एक हिकमत अमली भी इख्तियार की और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से भी मुसलमानों का एक रोब उन पे कायम कर दिया और वैसे भी मुसलमान ऊंची जगह पर थे तो वो नीचे से यूं लगता था कि जैसे ज्यादा है लियलाह अमरन का मफूला ताकि पूरा कर दे अल्लाह उस काम को जिसे होकर रहना था व इला ही तुरमूर और अल्लाह की तरफ लौटाये जाते हैं सारे मामला या अयोहदीना मनु ए लोगो जो ईमान लाए हो इजा लकी तुम फिर अतन जब मिलो तुम एक ग्रोह से फि अतन इशारा है काफिरों की फौज की तरफ जब तुम काफिरों की फौज से मिलो कहा मिलो मैदान जंग में जिसका जिक्र सूरत अनफाल ही की आयत पंद्रह में गुजर चुका यादीना आमन इजा लकीतना कफरफन तो क्या करो यहां पर फरमाया फसबुतु साबित हो जाओ इन मुकाबले में जमकर मुकाबला करो और वहां क्या फरमाया फला तो वल्लूहदबार उनके मुकाबले में पीठ न फेरोहां क्या फरमाया फसबुतू साबित कदमी इख्तियार करो और क्या करो वज्लाह कतीरन जिक्र करो अल्लाह का बहुत ज्यादा अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो क्यों तुफले हो ताकि तुम फलाह पा जाओ तो यहाँ मुकाबले में कामयाबी के तरीके बताए जा रहे हैं अगर तुम कामयाब होना चाहते हो दुनिया में भी और यकीनन फिर आखिरत में भी तो उसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे पहला काम पसबू साबित जम कर काम करना नंबर दो वद गुरह कती कसरत से अल्लाह को याद करना और अगली आयत पे पता चलता है अल्लाह रसूल की इतात करना झगड़े से बचना और सब्र करना और फिर उससे अगली आयत में फखर और गुरूर और तकबर से बचना यह है किसी भी टीम या किसी भी ग्रोह के कामयाबी के अनासर कि जब इंसान किसी भी शर का मुकाबला करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर यह सिफात पाई जाए और फिर इसमें हम अमली तौर पर देखते हैं कि क्या हुआ इस हुक्म पर अमल कैसे हुआ जैसे पीछे आप पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफबंदी करने के बाद अपने खैमे में आकर क्या किया खूब दुआएं की और जब जंग शुरू भी हो गई तो आप क्या कर रहे थे दुआएं मांग रहे थे एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों दुश्मन से मुठभेड़ की आरजू ना करो यानी जंग की तमन्ना ना करो कि जंग हो और अल्लाह से आफियत मांगा करो ताहम जब कभी दुश्मन से लड़ाई का मौका पैदा हो जाए तो सब्र करो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साय में बुखारी की है। दूसरी रिवाय में आता है जब तुम उनसे मुलाकात करो तो साबित कदमी दिखाओ और अल्लाह को याद करो और अगर वो चीख पुकार करें शोर मचाएं फाले कुम बस्म तो तुम खामोशी इख्तियार करो यानी कुरान पाक में खामोशी का जिक्र नहीं एक और हदीस की रिवायत में मुसन्फ अब्दुल रजाक की रिवायत है उसमें खामोशी भी है क्या क्या करो फसब वस्कुरुल्लाह और अगर तुम्हारे मुखालिफ शोर हंगामा कर भी रहे तो तुम खामोशी इख्तियार करो बावकार अंदाज इख्तियार करो एक और रिवायत में हमें तीन मकाम पर खासतौर पर खामोश रहने का हुक्म है एक तो कुरान पढ़ते वक्त जैसे कुरान पाक में ही आया इजाकुर कुरान फस व दूसरे जनाजे के मौके पर जहां जनाजा हो वहां खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और तीसरे दुश्मन के मुकाबले क्यों दुश्मन के मुकाबले में खामोशी क्यों यानी उस वक्त चीख, पुकार हंगामा शोर ये मना है वजह जी हाँ लड़ते वक्त जरूरत होती है मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की और अगर लोग लड़ रहे हो और जो कमांडर इन चीफ है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि दाएं मुड़ो, आगे जाओ पीछे जाओ वापिस आ जाओ ये करो ये ना करो और अगर वहां चीफ पुकार हो रही हो तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी बात ही नहीं समझ आएगी कि कहा क्या गया तो ये भी एक जरूरी आंसर है और बस्करुल्लाह कसीरन क्यों कहा गया आप देखिए कि जब इंसान किसी मुश्किल और मुसीबत में होता है या अफरा तफरी का आलम होता है या जंग हो रही होती है मसलन क्योंकि यहाँ लकी तुम अब एन मैदान जंग की बात हो रही है, है? तो उमूमन उस वक्त क्या होता है कि इंसान अफरा तफरी में हर चीज भूल जाता है कोई अचानक मुसीबत आ जाए या कोई परेशानी की बात हो तो ये भी याद नहीं रहता कि अच्छा इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए इसीलिए अमूमन अब मुश्किल वक्त में लोग दूसरों से पूछते हैं कि अच्छा है मैं अब क्या पढूं हालांकि पता होता है क्या पढ़ना है लेकिन फिर भी याद दिहानी की जरूरत होती है तो ये इंसानी कमजोरी है कि ऐसे मौाक पर जब जान को खतरा हो या जान की पड़ जाए ये कभी आपने देखा होगा कोई खौफनाक ख्वाब आप देखें तो आयतुल कुर्सी भी याद नहीं आती हु? या समझ नहीं आता कि अच्छा वो दुआ क्या थी यानी खौफ की कैफियत इतनी शदीद होती है बाजुकत कि इंसान जिक्र भूल जाता है लेकिन यहां क्या कहा गया कि खौफ के वक्त अफरा तफरी के वक्त परेशानी के वक्त भी कसरत से अल्लाह को याद करो बल्कि इस दुआ की इतनी फजीलत बताई गई हदीस में आता है कि दो मौा पे की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती एक आजान के बाद की दुआ और दूसरे जब मुजाहिद अपनी सफ में खड़ा हो यानी दुश्मन के मुकाबले पर खड़ा हो उस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती और नबी सल्ला खासतौर पर जो दुआ कर रहे थे वो क्या एक जंग के मौके पर अल्लाह ममंजिल किताब व व अल्लाह जो किताब का उतारने वाला है जो बादलों को चलाने वाला है जो लश्करों को शिकस्त देने वाला है अः इनको शिकस्त दे और हमें इन पर मदद दे तो ये खसूसी तौर पर उस मौके की दुआ है वरना जिक्र तो कोई भी किया जा सकता है और आपने ये भी देखा होगा कि तकलीफ के वक्त इंसान किस को याद करता है जिससे बहुत मोहब्बत होती है उसको इंसान किसी भी मौके पे नहीं भूल सकता यानी आपको कोई चोट लगती है कोई दुख होता है तो आप फौरन किसी न किसी के बारे में सोचते हैं कि मैं उससे शेयर करूंगी या उसको बताऊंगी या उससे जिक्र करूंगी तो दिल में जो बहुत प्यारा होता है उसका ख्याल आता है तो यहां पर क्या सिखाया गया बल्लिन अमन अशदद लिल्लाह उस मौके पर किसको याद करो अल्लाह को अरब शरा मैदान जंग में भी शेर शायरी करते और इस मौके पर भी उनकी शायरी में लगवियात और फजूलियात होती मसलन एक शायर कहता है लकत जक्र तो यु यख तो रुबैना अपनी महबूबा को मुखातिब करके कहता है कि मैं तुझे उस वक्त भी याद कर रहा था जब हमारे दरम्यान नेजे चल रहे थे तो उस कल्चर को तब्दील किया गया और क्या कहा गया वज्लाह कसीरन, कसरत से अल्लाह को याद करो लाकुम तुफ लिहोन ताकि तुम फलाह पाओ कामयाब हो जाओ तो इससे एक और बात भी पता चलती है और वो ये है कि जिक्र कामयाबी का जरिया है अल्लाह की याद और अल्लाह को पुकारना मुश्किल हालात में फायदा देता है वह अतील्लाह व रसूल और इतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की कामयाबी चाहते तो क्या करो अल्लाह और रसूल की बात मानो वला तनाजाऊ और आपस में झगड़ा ना किया करो नजा का मतलब होता है खेचना और तनाजा दो लोगों का बाहम खेचा तानी करना झगड़ना फतफ शलू नतीजा क्या होगा बुजदिल हो जाओगे कम हिम्मत हो जाओगे कमजोर हो जाओगे वह और जाती रहेगी री हुकुम तुम्हारी हवा और हवा से मुराद यहां है, रोब है। तुम्हारी शान और शौकत तुम्हारी कुव्वत तुम्हारी रौनक सब चली जाएगी वसबिरू और सब्र करो क्यों? इसलिए कि इन अल्लाह मन बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है पीछे आपने पढ़ा कि असहाब तालूत जब मुकाबले पे आए तो उन्होंने एक दुआ की थी क्या वो सूरत तलबकरा की आयत नंबर 250 है 250 सो पचास वलम बराजू लिजालूत और बराजा का भी क्या माना होता है जंग में आमने सामने होना लिजालूत जनूती ही कालू रबना अफर सबरम वसब तकदा मना वंसर न आलल कौ फिरीन और ने जब मुजा दिखाया था असा का तो सुख जादूगर जब मुसलमान हुए तो उन्होंने भी यही दुआ पढ़ी जब फिर ने उनको धमकी दी कि मैं तुमको तो खत्म कर दूंगा तो हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए फिर मजीद फरमाया वला तक कल्लिन खर अजू मिंदिया रिम बतरन न तुम हो जाओ उन लोगों की तरह जो अपने घरों से बतर के साथ निकले बतर क्या होता है इतराना फखर और तकबर का इजहार करना अमूमन ये नेमतों की फरावानी की वजह से होता है ज्यादा नेमते मिलने की वजह से ज्यादा नेमते मिलने से इंसान के अंदर जो एक खास किस्म की फीलिंग आती है एक प्राउडनेस की और एक अकड़ की और अपने आप को बड़ा समझने की और अंदर ही अंदर खुशफहमियों में मुबतला होने की तो उसको बतर कहते हैं और तकबर किस चीज का नाम है गम तो ना उल हक इतराते हुए हक का इनकार कर देना सर झटक देना गम नहीं मानते नेम तो का शुक्र अदा न करना इशारा किसकी तरफ है ना तुम हो जाओ उन लोगों की तरह जो अपने घरों से अकड़ते हुए निकले कुरैश के लश्कर की तरफ इशारा है खास तौर पर जब अबू जहल ने ये कहा कि हम तो जरूर निकलेंगे रिवायात में आता है कि अबू जहल बहुत धूमधाम और बाजे गाजे के साथ निकला ताकि मुसलमान उन्हें देख कर ही मरूब हो जाए और दूसरे कबाइल पर भी इनकी धाक बैठ जाए और जैसे कि आपने पढ़ा कि अबू सुफियान का पैगाम भी उसे मिल गया था कि काफिला खतरे से बच निकला है इसलिए तुम वापिस चले जाओ लेकिन उसने गुरूर से कहा कि हम इस वक्त वापस नहीं जाएंगे जब तक बदर के चश्मे पे पहुंचकर मजलिस तरब नशात मुनद न कर लें वहां गाने बजाने वाली औरतें खुशी और कामयाबी के गीत गाएंगी शराब पियेंगे मजे उड़ाएंगे तीन दिन तक ऊंट जबह करके अहल अरब की जियाफत का अहतमाम करेंगे ताकि ये दिन अरबों में हमेशा के लिए यादगार रहे और वाकई यादगार हो गया दिन फुरान तो तुम उन लोगों की तरह ना हो मना किया जा रहा है जो अपने घरों से इतराते हुए निकले वरिया और लोगों को दिखाते हुए निकले, दिखावा करते हुए रियाकारी के साथ। कोई मंजर जहन में आता है? क्या शादी का। मैं जब ये सुबह पढ़ रही थी, थी तो मेरे जहन में बिल्कुल अमूमन पाकिस्तान और खसूस देहातों में एक पूरी लगता है कि फौज निकलती है बारात की शक्ल में और जिस धूमधाम से निकलते हैं और जिस तरह घोड़े पे बैठ के तो बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुल्क फतेह करने जा रहे हो धमाल भंगड़े सब ये जो अबू जहल वाली हरकतें हैं और प्लानिंग है यहां पर आप देखिए कहा जा रहा है लातकूनू अहल ईमान तुमने ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना तो मुसलमानों की जो शादी होती है या मुसलमानों के जो तौर तरीके हैं वो इनसे मुख्तलिफ होते हैं। उसमें बतर और रिया नहीं होती लेकिन अफसोस ये कि हम कुरान के सारे अहकाम भूलकर उसी बतर और रिया का मुजाहरा करते हैं। और उसमें आप देखिए कि पहले जमाने में बड़ी बड़ी बारातें इसलिए जाती थी कि जैसे शादी के बाद लड़की को लाना होता था तो उसने को जेवर सोना भी पहना होता था तो खतरा होता था कि कोई और चोर उचक के हमला करके कुछ लूट मार ना करे क्योंकि बहुत सा जहेज भी लूट के लाना होता था माल गनीमत तो उनको एक पूरे लाव लश्कर की जरूरत होती थी अब सिक्योरिटी के बहुत से इंतजाम हो गए हैं इसलिए इस तरह के लश्कर ले जाने की जरूरत नहीं है लेकिन बहरहाल लोगों ने इसी को खुशी का जरिया समझ लिया तो ना तुम निकलो उन लोगों की तरह जो अपने घरों से बतर और रिया के साथ निकले वसुद्दून अन सबील अल्लाह और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से ऐसी चीजें अल्लाह के रास्ते से रोकने का जरिया कैसे बनती है ये लोग तो निकले थे कि मुसलमानों का मुकाबला करें और अगर नहीं भी मुसलमान मुकाबले पे आए तो वहां जाके अपनी धाक जमाने को बैठे और ये सब हल्लड गुल्लड करके वापस आये तो इस किस्म के काम या इनकी मुशाबहत करने से जो मना किया गया इसकी वजह यह बताई कि ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं इसमें आप देखिए कि जो भी हमारे यहां आमतौर पर इस किस्म के कामों में होता है उसमें ना नमाज की फिक्र होती है बिल्कुल शैतानी काम ना नमाजों की फिक्र और ना ही किसी और जिम्मेदारी की अदायगी की पूरा एक मेला लग जाता है और हर कोई ना सिर्फ ये के जिसकी शादी होती है या शादी वाले बल्कि जो जो शरीक होते हैं उन सब के अंदर भी बतर और रिया दो चीजें खूब खूब कूट कूट के भरी हुई होती है यानी यह ये दो चीजें जो है ये मना है बतर और रिया और अगर देखा जाए तो हमारी शादियां पूरी की पूरी किसके गिर्द घूमती हैं बतर और रिया और ये दोनों चीजें नापसंदीदा है वल्लाहु या मलू मुहित और अल्लाह साथ उसके जो वो अमल करते हैं घेरने वाला है अब इस आयत का यह मतलब नहीं कि आयत किसी शादी के बारे में उतरी है यहां चूंकि कहा जा रहा है ऐसे लोगों के तौर तरीके अख्तियार ना करो जो ये करते हैं तो मुराद ये है कि सिर्फ जंग के लिए निकलते वक्त नहीं बल्कि कहीं भी निकलते वक्त किसी भी काम को निकलते वक्त ऐसे तरीके अख्तियार न करो इनकी मुशाबहत से बचो ये माना खाब शादी का मौका हो या जनाजे का मौका हो क्योंकि अरबों के यहां जनाजों में भी राग बाजे जाते थे साथ और आग लेके जाते आग और राग दो चीजें होती थी उनके जनाजों में और उसमें भी वो सबको इकट्ठा करते ये दिखाने को कि हमारा जो मरने वाला है वो कितना बड़ा है और इसको भी एक उन्होंने स्टेटस सिंबल बना लिया और एक दिखावे की चीज बना लिया तो सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि जनाजा भी उसमें देखा ना पीछे हमने वो हदीस पढ़ी कि खामोशी होनी चाहिए और उसमें भी आजी और बकार होना चाहिए और खुदा का खौफ होना चाहिए ना कि वो भी शानो शौकत का जरिया इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे शादियों पे खाने पकते हैं अब हमारी फौतियों पे भी वैसे ही खाने पकते हैं और वैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं और वो कठ जो है वो भी बतर और रिया का जरिया बन गया है ये बता रही है कि जो जितना बूढ़ा होकर मरे उसका उतना शानो शौकत से चहलम करेंगे और हाँ मुझे कुछ याद पड़ता है कि किसी किसी तरह फौतगी पर गए और बुजुर्ग फौत हुए तो मीठे चावल उन्होंने खास तौर पे बनाए तो तोने कहा कि मीठे चावलों को कहा कि ये हमारे यहाँ रवाज है कि जब कोई बुजुर्ग फौत हो तो एक तरह से खुशी या मालूम नहीं क्या उनके जेहन में होता है कि इतना खा कमा के फौत हुआ है तो वो एक उसका जनाजा भी जो है वो बतर और रिया का जरिया जी हाँ बाकायदा अब तो कैटरिंग होती है और शादी के फंक्शन और चालीसवों में कुछ फर्क नहीं रहा ज्यादा ये बता रही है कि चौदह पंद्रह साल पहले जब इनके ससुर का इंतकाल हुआ और उस वक्त हालात भी अच्छे नहीं थे तो इन्होंने अपनी चीजें बेच बेच कर ये सब कुछ किया लेकिन वो इतना तकलीफ दे था कि इन्होंने उस वक्त वसीयत की कि मेरे मरने पर यह सब कुछ ना करना और ये हकीकत है मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे करीबी हम साये थे और उनकी बच्ची की शादी तैयार थी बिल्कुल जवान बच्ची थी शादी तैयार थी सब कुछ इकट्ठा करके उन्होंने यानी कि जो भी इब्तदाई तैयारी क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं वहां लोग चीनी चावल वगैरह भी राशन घर में ला क्योंकि खुद पकवाते हैं तो सब चीजें इकट्ठी करते हैं पकवाई वगैरह के भी पैसे वगैरह अलग करके रखते हैं इतने में बच्ची के दादा का इंतकाल हो गया आप यकीन करें कि वो जो कुछ बच्ची की शादी के लिए इकट्ठा था तो वो सब खर्च हुआ ना सिर्फ ये वो बल्कि उसके अलावा भी कर्जा लेके उन्होंने वो किया और कितना अरसा उस बच्ची की शादी जो थी वो डिले हो गई सिर्फ इस वजह से अब इतनी वसुत नहीं कि इस हादसे के बाद एक और जिम्मेदारी को निभाया जा सके और तनख्वाहदार मुलाजिम थे कहा से और आमदनी आती वो जब मजीद पैसे इकट्ठे होंगे तो बेटी रुखसत होगी अब आप देखें बेटी की रुखसती एक फरीजा है जिसे अदा करना है उसको पीछे डाल के कर्जे उठा के एक वो शख्स जिसने दुनिया में अपना सब वक्त पूरा कर लिया सब जो करना था कर लिया कमाई कर ली उसे जाना है लेकिन मरने पे इतना खर्च हो रहा है कि बाकी फराइज यसुद्दू ना अन सबी जो बाकी फराइज है उनकी अदायगी में ताखीर हो रही है और नाम क्या रखा बड़ा करना है यानी कि बड़ाई जाहिर करनी है यही मकसद है ना देखे कुरान असल में पढ़ते नहीं ना समझते नहीं असल में कुरान की तरबियत यही है कि मौका खा जंग का हो या कुछ साथ, साथ अखलाकी तरबियत अब वो बात हो रही है मैदान जंग में जाने की कामयाबी भी मुसलमानों को हुई सब कुछ लेकिन साथ साथ ये कहा गया कि तुम्हारे अंदर ये अखलाकी ऐब नहीं होने चाहिए और करने का काम जो है उस पर नजर होनी चाहिए जी हाँ पिछले दिनों मुझे भी किसी ने न्यूज भेजी थी कि रिसेंटली एक किंग का जो इंतकाल हुआ तो वो इतनी सादगी से सब कुछ हुआ कि उस पे जो और कुछ लोग शामिल थे तो एक प्रीस जो था वो मुसलमान हुआ इस सारी सादगी को देख के तो ये है कि मुसलमानों का एक खास कल्चर होता है उनके खुशी के मौके उनके गम के मौके उनकी जंग उनका अमन उनकी सब चीजें बावकार होती हैं बतर और रिया का जरिया नहीं होती चलिए और फिर ये जो आखिर में कहा ना वल्ला बिमा महीत जो वो कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरे हुए सब पता है उसको कुछ भी उससे ना छुपा सकेंगे इसमें एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी उसे सुनते हुए हमने जितनी भी बात अभी की चाहे बारात हो या जनाजा हो या जो भी इसमें हमने ये बात तो जिक्र की है कि लोग ऐसा करते हैं लेकिन हमने ये नहीं कोशिश की जानने की कि लोग ऐसा क्यों करते हैं उसकी एक मैं समझती हूं बुनियादी वजह ये होती है कि लोग उनको जीने भी नहीं देते यानी अगर किसी के यहां मर जाए या किसी के यहां शादी हो तो लोग ताने दे देकर उसको करवाते हैं वो कहते हैं ना अगर मरने पे कोई ना करे तो कहते हैं मर गया मरदूद ना खत्म न दरूद इस तरह के मुहावरे इजाद किए हुए हैं यानी कि देखो इसका फुला मर गया है और इसने कुछ किया ही नहीं ये बता दें कि इनकी वालदा की दर्द पांच छह साल पहले हुई है और इन्होंने जब कुछ नहीं किया इस्लामी तरीके पर सब कुछ किया तो उस पर लोगों ने कहा कि देखो इनको तो कोई अफसोस ही नहीं हुआ और बाकायदा सिखाया भी जाता है तो यानी माएं बच्चों को सिखाती हैं कि मैं मर जाऊं तो इस तरह बैन करना है और इस तरह रोना ये तो सब दौर जाहलियत के तरीके हैं इसी तरह शादी का मौका उसमें आप देखिए कि कहीं पर शादी हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जरूर बुलाया जाना चाहिए और अगर कोई ना बुलाए तो क्या कहते हैं आप ना भी बुलाएं तो हम आ जाएंगे और आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस बारे में फरमाया कि अगर कोई किसी दावत में बगैर इजाजत के यानी बगैर बुलाए शरीक हुआ वो चोर बन के दाखिल हुआ और डाकू बन के निकला और बाजुकत किसी खानदान में से चलो किसी एक को बुलाया जाता है तो वो बगैर इजाजत बगैर उसके सारे जमा हो जाए और वो कहते हैं कि इन्हें खुशी कोई नहीं इसराफ को वो खुशी की अलामत समझते हैं और अगर कोई ना बुला सके किसी मजबूरी की वजह से तो माइंड कर लेते हैं तो दिलों में रख लेते हैं और इस तरह ताल्लुकात जो कि शादी मसलन एक खुशी का मौका है शादी के दिन ही आगाज हो जाता है बाहमी अदावतों का और एक दूसरे से नफरतों और ग्रजेस का ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो ये बात अब अंडरस्टूड है कि शादी के मौके पर बस रिश्तेदारों ने जरूर उठना है किसी ना किसी वजह से और फिर ये मैं देख रही थी कि जब कहा गया कि ना निकलो बतर और रिया के साथ तो उसमें आप देखिए कि जब एक बारात इस तरीके पर निकलती है जैसे को फातह निकला हो तो होता यह कि लड़की वालों की जो साइड होती है वो क्या महसूस करती है कि जैसे उनको नीचा दिखाते हैं ना एक तरह से मगलूब है वो और फिर उसके बाद लड़की की पोजीशन हमेशा के लिए एक मगलूब की हैसियत से और फिर वो लड़की वाले हमेशा रोते धोते ही हमारे कल्चर में दिखाई देते हैं हर कहानी और ड्रामे में वो मजलूम ही है वो उसको भी शान समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम जानते भी हैं कि इन चीजों में मुश्किल है लेकिन फिर भी सिर्फ नफ्स की तस्कीन के लिए ये सब कुछ करते चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि सही इस्लामी तरीका जो है उसी में क्योंकि बामकसद लोग जो हैं वो जब भी मामसद हो सकते हैं जब उनके इन्ना सलाती व नुसुकी व महिया व ममाती खुशी गम जिंदगी के सारे अमूर जो हैं, वो अल्लाह रसूल के तरीकों के ताबे हों कि किसी ने पूछा कि मुताहन का रूट बता दीजिए हे वावे जो मैंने तफसीर में पढ़ा वो हे वाओ जे है सिमटना चलिए वा लाहु मुशान और जब खूबसूरत बना दिए उनके लिए शैतान ने आमाल हम उनके आमाल किन के कुफार के मुश्किन मक्का के आमाल अमल की जमा है वो कौन से आमाल थे जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगते बहुत अच्छे लगते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मिशन की दुश्मनी और मुसलमानों से जंग करना और उनको अजियतें देना और जंगे बदर के लिए निकलना और खासतौर पर अबू जहल का इसरार करके निकलना वकाला और कहा किसने शैतान ने ला गालिबा नहीं कोई गालिब आने वाला गालिब फाइल के वजन पर लकुम वास्ते तुम्हारे यानी तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो अलिया आज आज कोई तुम पे गालिब न आएगा मिलन्नासी लोगों में से क्योंकि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा है वह इन्नी जारुलकुम और बेशक मैं पड़ोसी हूं तुम्हारा जार हम को कहते हैं लेकिन यहां माना है मददगार का हिमायती का मैं भी तुम्हारा मददगार हूं मैं भी तुम्हारा हिमायती हूं मैं भी साथ दूंगा निकलो तुम फलम्मा, फिर जब तराअत आमने सामने हुए तराअत रा से है रा हमजाया एक दूसरे को देखना जैसे तवाद पीछे एक दूसरे से वादा करना पड़ा आपने तो यहां तराअत आमने सामने हुए अलफ़िअतानी, दो गुरु, फ़िअतुन अतन का तस्निया जमा के साथ आइंदा तस्निया के सीगो पर भी तवज्जो रखिए ताकि अगर इम्तिहान में पूछा जाए तो याद हो आपको हमने इस लेसन में कई एक तस्निया पढ़े हैं जम आनी जैसे ताइफ़तानी ताइफ पीछे पड़ा है न कसा तो उल्टे पांव भागा पलट गया अला अकेबई ही अपनी दोनों एड़ियों पर अकेबई भी असल में अकेबेन था ये भी तस्निया दो एड़िया यानी उल्टे पांव भाग गया वकाला और कहा या कहने लगा इन्नी बरी उन बेशक मैं तो बरी जिम्मा हूं ये कौन कह रहा था शैतान मिन कुम तुम से मेरा तुम्हारा कोई सरोकार नहीं इन्नी अरा बेशक मैं देखता हूं माला तरउना जो नहीं तुम देखते मुझे वो कुछ दिखाई दे रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इशारा है फरिश्तों की तरफ अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की तरफ इन्नी आकाफुल्ला बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं अब मुझे वो हलाक कर देगा अगर मैंने यहां तुम्हारा साथ दिया यानी इबलीस अपनी फौजों के साथ वहां आया लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले के लिए फरिश्तों को मुकर किया जैसा कि कुरान पाक की दूसरी आयत से पता चलता है कि इबलीस के भी लश्कर हैं, जुनूद हैं उसके तो यहां भी वो कुफार के लश्कर का साथ देने के लिए निकला था तो इधर मोमिनों के लश्कर का साथ देने के लिए फरिश्ते उतरे थे तो इबलीस को फरिश्ते नजर आ रहे थे लिहाजा डर के भाग गया शदीदुल इकाब और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है इकाब सजा को कहते हैं और ये शैतान का कौल है अगर तो इसका मतलब यह है कि शैतान को यह बात अच्छी तरह पता है कि अल्लाह ताला सजा देने वाला है सजा दे सकता है बाज रिवायात में आता है कि जब कुरैश नदवा में जमा होकर यह मंसूबा बना रहे थे कि किस तरह इकट्ठे होकर निकलें और मुसलमानों को खत्म कर दें तो कहा जाता है कि शैतान बाकायदा बनु बकर के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में मजलिस में शरीक हुआ बनु बकर कुरैश के हरीफ थे एक होता ना हरीफ यानी दोस्त और हरीफ होता जो यानी आपस में इनकी बनती नहीं थी तो उन्हें ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि हम निकले और पीछे से वो हम पर हमला कर दें अब जब शैतान ने ये चाल चली कि वो हरीफ होने के बावजूद उनके सरदार की शक्ल में इनके मशवरे में आ शामिल हुआ तो कुरैश के हौसले और बुलंद हो गए कुफार के हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने कहा कि अब तो हमें कोई खतरा ही नहीं इनकी अकड़ और बकर में और इजाफा हो गया और इस तरह ये और तंत्राक के साथ निकले लेकिन जब आगे पहुंचे तो उसने देखा कि आगे तो मामला कुछ और है तो उल्टे पांव भाग निकला और यह शैतान का तरीका है जब कोई गलत काम करना हो तो शैतान आकर इंसान को खूब उकसाता है बार बार उसके दिल में ख्याल डालता है उसको गुदगुदी करता है और जब गलत काम करवा चुकता है तो दुनिया में भी बेवफाई कर जाता है जो सब्ज बाग वो दिखाता है वो सब धोखा होता है और आखिरत में तो वो ये करेगा ही इस बात की तायद कुरान पाक की कई एक से होती है मसलन सूरत इब्राहिम में आता है वकाल शैतान उलम खुदी अल अमरू के जब कयामत के दिन फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेगा इन अल्लाह वाद कुम वाद अल हक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था वाद तो अखलफ तो मैंने भी वादा किया था और मैंने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी वमा कान अली सुल्तान और न था मेरे लिए तुम पर कोई जोर मेरा तुम पे कोई तसलत नहीं था इल्ला मगर अन अनदाउ तुकुम कि मैंने तुमको दावत दी थी फस्त जब तुम ली तो तुमने मेरी बात मान ली फला तलु अब मुझे न मुलामत करो वलूम अन अपने आप को मलामत करो मैं मेमुश कुम मैं तुम्हारी फरियाद वैसी नहीं कर सकता वमा अनुमे मुश्रिखी और नुम मेरी फरियादे सुनने वाले हो इन्नी कफर तु मैं तो इनकार करता हूं बिमा अशरक तुम नीमिन कबल उस चीज का जो तुम मुझे इससे पहले शरीक करते रहे यानी अल्लाह के हुक्म में अल्लाह की बात छोड़ के मेरी मानते रहे सूरत निसा में आता है आयत वन ट्वेंटी में या इदुहुम व युमनीहिम व मा या इदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा शैतान उनसे वादे करता है और उन्हें आरजुए दिलाता है और उसके वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं और जंग बदर में तो बकायदा ये बात साबित हो गई क्योंकि जंग बदर के बाद सुराका जो थे वो मुसलमान हो गए हुँ? और उन्होंने ये कहा कि मैं तो शरीक ही नहीं हुआ था जंग में तो फिर सब हैरान हुए कि वो कौन था पता चला कि वो शैतान था जो उनकी शक्ल में आया था और इसे ये भी पता चलता है कि जिस तरह फरिश्ते इंसानी शक्ल में आ सकते हैं इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने सब जिन्नात थे लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि वो भी इंसानी शक्ल में नजर आ सकते हैं हमने एक हदीस पढ़ी थी किताब जक़ात में कि जिसमें फरिश्ते के जरिए आजमाया गया था कुछ लोगों को और वो दो दफा उनके पास इंसानी शक्ल में गया और इसी तरह और अदीस से भी हमें पता चलता है मसलन एक हदीस में आते कि एक शख्स अपने एक दोस्त से मिलने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जा रहा था तो रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में उससे मिला और उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो सुन कहा मैं फलां से मिलने जा रहा हूं क्यों जा रहे हो बस उससे मैं अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ इसलिए मिलने जा रहा हूँ का कोई और दुनिया की गरज मतलब का कुछ भी नहीं कहा तो फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है जिस रब की खातिर तुम उससे मोहब्बत करते हो वो तुमसे मोहब्बत करता है यानी तुम्हारे इस फेल पर तुमसे भी मोहब्बत करता है फरिश्तों की मदद तइद और फरिश्तों का साथ कुरान से अहदीस से और फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना और फिर हजरत मरियम के सामने परिश्ते का आना ये सब चीजें मौजूद हैं और इसी तरह एक सहाबी थे जो सूरत पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर एक एक बादल सा देखा और और फिर इसी तरह सहाबी जो थे वो सूरत बकरा पढ़ रहे थे और उनका घोड़ा जो था वो बिदकने लग गया उछलने लग गया तो उनका बेटा पास होया हुआ था तो वो डर गए कि कहीं ये घोड़ा इसके ऊपर न चढ़ जाए उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हुआ ये कि जब वो पढ़ते तो वो घोड़ा उछलने लगता जब वो खामोश होते वो भी रुक जाता तो उस पर आपने बताया कि वो फरिश्ता था और उसी तरह वो जो बादलों का साया था वो और वो रोशनियों की शक्ल में ऊपर उठा तो आपने फरमाया कि वो ये फरिश्ते थे और ये अल्लाह की तस्कीन थी जो उतरी थी इस मुनाफिकून जब कह रहे थे मुनाफिक वल्ल दीनाफी कलूब हिमरादन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी इन कमजोर ईमान के मुसलमान क्या कह रहे थे धोखे में डाल रखा है इन लोगों को इनके दीन ने ये कौन थे मुनाफिक और ये कौन थे बीमार दिल के लोग जबकि हम जानते हैं कि मुनाफिक का सरदार अब्दुल्ला बिनूबई तो जंग बदर के बाद मुसलमान हुआ तो ये आयत कब उतरी और ये क्या किस्सा है मुनाफिकों का वैसे तो ये बात आम भी है कि मुख्तलिफ मौ पर मुनाफिकीन ऐसे कमेंट्स और रिमार्क्स देते रहे लेकिन यहां इशारा है उन लोगों की तरफ जो मक्का में मुसलमान हुए थे लेकिन कमजोर ईमान की वजह से हिजरत न कर सके उनके दिलों में कुछ न कुछ शकुक शुभहात रह गए और जब जंगे बदर हुई तो ये चूंकि मक्का में थे लिहाजा कुरैश इनको जबरन लड़ने के लिए साथ ले आए थे और जब उन्होंने देखा कि मुसलमान थोड़े से हैं तो उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि ये कामयाब नहीं हो सकते और उनके बारे में बुरे गुमान करने लगे और आपस में बातें करने लगे कि देखो ये कैसे लोग हैं कि ना इनकी कोई तैयारी है और ना ही इनके पास कोई सामान है क्योंकि दो घोड़े थे सिर्फ हुँ? तो ये किस तरह लड़ने को निकल आए हैं यानी इनको इनके दीन ने पागल कर रखा है ये बेवकूफ बना रखा है धोखे में डाल रखा है ये कामयाब नहीं हो सकते ये खुशफहमी का शिकार है आज भी आप देखें कि बाजात खुद सो का मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें करते रहते हैं अगर कोई शख्स आज के दौर में दीन के नाम पे कोई कुर्बानी करता है और जाहिर है कि दीन के हालात जो हैं आजकल हम सब जानते हैं तो अमूमन लोग क्या ताने देते हैं कि अगर कोई शख्स सच बोलने की कोशिश करे दीन के तौर तरीके पे चलने की कोशिश करे या दीन की वजह से कुछ नुकसान उठा ले तो अमूमन क्या कहा जाता है और कहने वाला कौन होता है खुद मुसलमानों के अंदर से गर्र हाउलाए दीनहुम इनको इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है तो बात यह है कि जहां कहीं भी मुसलमान मादी एतबार से कमजोर हो, तो वो कोशिश करने के बाद क्या करे अल्लाह के सपुर्द मामला कर दे इसलिए फरमाया वमय तवक्कल आल्ला जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा फ्नल्लाह अजीजीम के बेशक अल्लाह तला अजीज उन हकीम है जबरदस्त है हकमत वाला है क्योंकि वो साजो सामान की कमी के बावजूद निकल खड़े हुए थे अल्लाह का हुक्म आ गया था कुर्बानी की जरूरत थी लिहाजा वो पीछे तो नहीं पलट सकते थे तो इस पर उन्हें अपनों की तरफ से भी बातें सुननी पड़ी इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए यानी अगर कोई शख्स किसी अच्छे मिशन या कॉज में निकला है और बजहिर उसके साथ दुनियावी शौकत और इसबाब नहीं भी तो भी ये सोच के पीछे नहीं हो जाना चाहिए कि क्या पता ये कामयाब न हो तो फिर इसके साथ हम भी मारे जाए बेहतर है पहले से बचाव करके रखो उसको और कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट और इनकरेजमेंट जरूर देनी चाहिए ना के उल्टी सीधी बातें करके उसका हौसला तोड़ना इसमें आप देखिए कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले शादी ब्याह की बातें कर रहे थे गमी खुशी की बातें कर रहे थे अमूमन ये होता है कि जब कोई शख्स दीन पड़ता है तो फिर थोड़ा बहुत डरते डरते अमल करने की कोशिश करता है, है? तो अमूमन लोग फिर खानदान में खासतौर पर कोई जब साथ देने वाला नहीं होता तो सब मिलके क्या करते बैठ के बातें बनाते कि इनको दीन लड़ गया है या इनको दीन का फोबिया हो गया है या इन्होंने नया नया पढ़ लिया है बस ये जुनून की बात है चंद दिन की बात है और ये नया नया शौक सवार हुआ भूत सवार हुआ है ये सब उतर जाएगा, कोई भी नाम दे सकते वल उतरा काश तुम देखो इस यवफल कफर उलमला इकतु जब फौत करते हैं फरिश्ते उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया यानी ये बदर के मैदान में भी और उसके अलावा भी काश तुम देख सको वो मंजर जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकालते क्या सलूक करते हैं उनसे यद द्रिबू नजूह हम वो उनके चेहरों पर मारते हैं वह अदबार हम और उनकी पीठों पे और कहते जाते हैं वह रूकू अजाब अलहरीक चक मजा आग के अजाब का हरीक कहते हैं आग को या जलने को जलने के अजाब का मजा चो चूके बदर के मैदान में विश्ते मौजूद थे और सत्तर लोग मारे गए तो ये आयत उनसे मुत्ल भी हो सकती है और आम माना भी रखती सूरत आयत नाइन्टी थ्री में भी ये मजमून पाया जाता है वलऊ तरा इदालफी गमरा तमती वास اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستكبرون سورة النحل ماته الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقبوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها वहाजाबाद नजाब इससे क्या पता चलता है कि जान निकलने के वक्त से लेकर कबर और कबर के बाद जब तक हशर नहीं उस वक्त भी मुजरुमों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है यानी इंसान की आजादी और मोहलत और उसकी अकड़ सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कि वो जिंदा है जो ही इंसान मरता है और खासतौर पर मुजरिम तो जिस तरह कोई भी मुजरिम दुनिया में पकड़ा जाए तो हवालात में भी उसके साथ जिल्लत तमेज सलूक होता है इसी तरह मरते वक्त मुजरिमों के साथ मौत के वक्त से ही जिल्लत आमेज रसवाकन और शदीद तरीन तकलीफ वाला सुलूक शुरू हो जाता है वाले का ये क्या ये ताजीब सजा ये जो पीछे हमने पढ़ी। बिमा कदम तयदी कुम इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा यानी ये जिल्लत आमेज सुलूक और ये जो तकलीफ है ये किस वजह से हो रही है कि तुम हो ही इसके लायक ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है तुम दुनिया में सर नहीं झुकाते थे बात नहीं मानते थे अब जब फरिश्तों ने आप पकड़ा है तुम्हें जैसे किसी मुजरिम को अगर पुलिस हाथ डाले तो कैसे पकड़ेगी सख्ती के साथ तो बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है और याद रखो कि वह अन्लाईसा बिजल मिल अबीद और बेशक अल्लाह ताला नहीं है जुल्म करने वाला बंदों के लिए अबीद अब से है और जल्लाम जुल्म से मुबालगा का सीगा है बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला यानी अल्लाह अपने बंदों के हक में जालिम नहीं बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस से है नबी अलैहि वसल्लम ने उसको रिवायत किया कि अल्लाह ताला फरमाते ऐ मेरे बंदो मैंने अपने नफ्स पर जुल्म हराम किया है और मैंने इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है बस तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारे ही आमाल हैं जो मैंने शुमार करके रखे हुए हैं बस जो आमाल में भलाई पाए उस पर अल्लाह की हमद करे और जो उसके बरक्स पाए तो वो अपने आप को ही मुलामत करे अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता ये बंदों के आमाल होते हैं जो उनके सामने आते हैं मौत के वक्त भी और उसके बाद भी और ये ऐसे ही है जैसे पहली कौमों के साथ हो चुका कदा दी आलि फिराउन मान हालत या आदत आले फिराउन के इमरान में भी आप ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं दब दब कहते हैं हमेशा एक हालत पे रहने को आदत लगातार किसी काम में लगना और मुशक्कत बर्दाश्त करना क्योंकि आदत कब बनती है जब इंसान एक काम मुसलसल करे और खा उसमें तकलीफ हो क्योंकि किसी भी काम को मुसलसल करना बाजुकात नफ्स पे बहुत गराम भी हो जाता है उसमें इंसान की एक आजादी भी जाती है लेकिन आदत जब ही बनती है। और करते करते पर वो काम आसान भी हो जाता है फिर इंसान के लिए बुराई और अच्छाई दोनों आसान हो जाते हैं याद रखिए अगर आप खुद को या अपने बच्चों को बचपन से एक आदत डाल देंगे मसला नमाज की आदत है तो शुरू में आप देखें कि बच्चों के लिए कितनी भारी होती है कितना तंग करते हैं लेकिन फिर जब आदत हो जाती है तो आपको कहना भी नहीं पड़ता खुद को भी आप देखिए कोई भी काम अपने से कराना हो तो शुरू में जरूर मुश्किल लगता है लेकिन जब आप तकलीफ के बावजूद करते रहते हैं करते रहते हैं तो फिर बिल आखिर वो चीज आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है और फिर वही चीज आसान लगती है तो अच्छा हो या बुरा हो किसी भी चीज की आदत के लिए मुश्किल आती है तो यहां पर दा अब के लफ्ज में यही माना पाया जाता है कि मुश्किल के बावजूद मुशक्कत बर्दाश्त करते हुए लगातार किसी एक काम में लगे रहना यानी एक हालत कदा अब भी आलि फिर आउना हालत आले फिरओन के यानी आले फिरओन ने भी जुल्म किया था और अपने जुल्म की वजह से गर्क हुए थे वो मिन अमिन और उन लोगों के जो उनसे भी पहले थे वो कौन थे कौमिन आद सम कौम श्यलूत वगैरह वगैरह भी आयात उन सब ने अल्लाह की आयात का इनकार किया فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ बिहम बस पकड़ लिया उन सब को अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन सब की पकड़ किस वजह से हुई उनके गुनाहों की वजह से क्यों पकड़ा अल्लाह ने क्योंकि अन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला कबीन कुत वाला है इकाब सख्त सजा देने वाला है ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला यकु नहीं है मुगयरन बदलने वाला तब्दील करने वाला नेमतन किसी नेमत को अन जो उसने इनाम की अलाकउमिन किसी कौम पर हत्ता यहां तक के युग वो बदल डालें मा भी अनफु जो उनके नफसों के साथ है वह अल्लाह समय अलीम और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है जानने वाला है तो इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला किसी हालत को अच्छी हो या बुरी नहीं बदलता जब तक के बंदे खुद को ना बदलें, जब तक के बंदे अपना आप ना बदलें। मसलन अल्लाह वो किसी इंसान को कोई नेमत देता है जब तक बंदा उस नेमत की कदर करता है अल्लाह ताला वो नेमत उसे दिए रखता है बल्कि उसमें और इजाफा करता है लेकिन जब बंदा ना करने लगता है तो अल्लाह नेमत उससे वापस ले लेता है यहां नेमत से मुराद हजूर सल्लाह वसलम है और कौम से मुराद कुरैश है अहले मक्का है अहले मक्का से यह कहा जा रहा है कि देखो अहले मक्का तुम्हें अल्लाह ने एक रसूल से नवाजा था जो रहमत आलमीन थे जो अल्लाह का इनाम थे तुम्हारी हिदायत के लिए आए तुमने उस नेमत की कदर ना की अपना हाल ना बदला पैगंबर के पैगाम को कबूल ना किया ना शुक्री की उनको अजियतें दी निकाल दिया तो वो नेमत किसको मिल गई अंसार के हिस्से में आ गई अनसार मदीना ने उस नेमत से फायदा उठा लिया इसीलिए आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद भी वहां ठहरे नहीं हज के मौके पर गए और इतनी दूर से गए थे और उस दौर में चौदह सौ साल पहले सिर्फ उन्नीस दिन का ट्रिप था अब आप यहां से जाए जहाजों पर तब भी इक्कीस दिन लगा देते हैं तो सिर्फ उन्नीस दिन में जिसमें आठ दिन जाने के थे इनके हज करके फौरन वापस लौटे रुके नहीं वहां और बाकी सहाबा भी मक्का जाके रुकते नहीं थे कि हमारी हिजरत का सवाब ना चला जाए और मदीना को मरकज बनाया गया फिर मदीना से सारी दुनिया में खैर फैली तो यहां यही फलसफा बताया जा रहा है कि जब कोई कौम किसी नेमत की कदरदानी करती है तो अल्लाह ताला क्योंकि नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है दीन इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत है पैगंबर और उसकी तालीम की नेमत है और अल्लाह ताला सुनने वाला है दुआओं को जानने वाला है दिलों का हाल कि बंदे खुद क्या चाहते हैं इसी तरह यह कायदा आम दुनिया के मसाइल पर भी होता है अल्लाह ताला किसी कौम को नेमत से नवाजता आप देखिए आज आदि इन सबको अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी थी के बारे में आता है

इसमें यहां पर अहले मक्का को सबक सिखाया जा रहा है और इसमें हम में से हर एक के लिए सबक है अगर हम में से कोई भी किसी नेमत की नाशुकरी करता है नाशुकरी कब होती है या नाकदरी कब होती है? आप देखिए कि इस दुनिया का कायदा यह है कि फूल के साथ कांटा भी है है ना कोई भी चीज जो हमें मिलती है जिसको हम खुशी से भी लेते हैं तो बिल आखिर क्या हो जाती है हमारे लिए हा? हर खुशी के साथ भी है। हर नेमत के साथ एक आजमाइश भी है हर भूल के साथ कांटा है हम किसी भी चीज की तलब रखते हैं, तमन्ना करते दुआएं मांगते हैं, वो चीज हमें मिल जाती है फिर उस चीज के साथ जो मुश्किल आती हैं, हम उनके लिए तैयार नहीं होते हैं। हम कहते हैं नहीं ये नहीं साथ आनी चाहिए थी हमें ये चीज तो मिल जाती है, ये साथ ना आती लिहाजा हम नेमत भूल के सारी तवज्जो उस किच, किच किच किस पे लगी रहती जो उसके साथ हिस्सा है उस नेमत के साथ जो दूसरी चीज है जिस पर वो खड़ी होती है उसके बगैर है ही नहीं अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो क्या मदीना वालों को कोई मुश्किल नहीं आई नेमत इतनी आसानी से थोड़ी हाथ आ जाती और सोच समझ के उन्होंने कबूल किया था आपको और जब आ गए तो फिर आज आपने वो पढ़ा कि किस तरह उन्होंने साथ दिया अपनी जान माल औलाद हर चीज कुर्बान की उन्होंने फिर एक दफा यह नहीं कहा कि ये हम पे क्या मुश्किल आ गई हमने तो सोचा था कि अल्लाह के रसुल बड़े बाबरकत हैं और आएंगे तो फिर हमें सिर्फ खुशहालियां ही मिलेंगी अगरचि वो मिली सब कुछ मिला लेकिन उसके साथ साथ कुर्बानियां भी थी मुश्किल भी थी हम सब ये सबक भूल जाते हैं हम मसल कुरान की नमत हम सबको मिल रही लेकिन सारा क्या पढ़ना भी पड़ता है टेस्ट भी होते हैं अब कोई कहे कि हाँ बस इस हद हाँ तक तो ठीक है अच्छी अच्छी बातें हम सुन लें लेकिन आगे हमें कुछ करना ना पड़े तो फिर तो जितनी उसमें डालेंगे उतना ही हाथ आएगा ना उतना ही हासिल होगी नेमत कोई भी चीज गौर गौरव फिकर करके आप देख लें किसी भी नेमत पे हाथ डालें किसी भी चीज पे हाथ रखें हर चीज अपनी कीमत मांगती है और जो शख्स कीमत देने पर तैयार ना हो वो फिर असल से भी हाथ धो जाता है यहां यह बात भी पता चलती है कि किसी कौम पर इज्तमाही तौर पर नेमत या इनाम अफराद की इस्लाह पर होता लेने वालों की अखलाकी हालत कैसी तो होना क्या चाहिए कि जब किसी कौम से नेमत छिनने लगे तो बजाय इसके एहत के शुरू कर दें क्या करें अपनी गलतियों पर नजर डालें इस्तफार करें अपनी कोताहियों को जानने की फिक्र करें कि हमारी क्या गलती है अमूमन हम जब हम किसी नुकसान से दो चार होते हैं जिंदगी में तो फौरन दाएं बाएं ब्लेम करना शुरू कर देते हैं इसने किया उसने किया उसने किया यही होता है ना घर में कोई चीज टूट जाए कोई फट जाए कोई खराबी हो छोटी हो या बड़ी कोई नुकसान हो अक्सर आप कि फौरन हम किसी न किसी को ढूंढ लेते हैं ब्लेम करने के लिए कोई हो या ना हो और यही से तनाजा शुरू हो जाए पीछे थे ना तनाजा तुम फिल अम्र मतलब तुम झगड़ पड़ते आपस में लेकिन अल्लाह ने बचा लिया क्योंकि अल्लाह तला को पता था दिलों के हाल जानने वाला कि अंदर से अच्छे लोग हैं ऐसी आजमाइश इन पर न डाली जाए कि जो ये उठा ना सके है? तो हमेशा होना क्या चाहिए कि जब कोई मुश्किल आए जब कोई नुकसान हो तो फौरन इस्तवार की जाए अपनी तरफ तवज्जो की जाए कि मैंने कहा कोताही की मेरी गलती कहां है तो इन अल्लाह ला गई रुमा कौमिन हम, अल्लाह किसी कौम का हाल नहीं बदलता नेमते नहीं छीनता जब तक के लोग न बदले यानी तकलीफें भी जब जाती हैं जब इंसान खुद बदलता है और नेमते भी जब जाती हैं जब इंसान नाकदरी शुरू कर देता है सूरत राद आयत एलेवन में भी आता है इन अल्लाह मा बे कौमिन हत् बेफुस व इजा अराद अल्लाह बे कौमिन सू अन फलाम रद्द लहू वमा लहु मिंदू नहीं मिं जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो उसे कोई फेर नहीं सकता यानी अल्लाह ताला जब किसी कौम को आजमाना चाहता है उसको सजा देना चाहता है तो कोई आगे बढ़ के मदद नहीं कर सकता कोई उसको हटा नहीं सकता और अल्लाह के सिवा कोई और मददगार है भी नहीं कौन हो सकता है सूरत शूरा में आता है वमा असा बकुम मुसीबतिन फ कसबत अदी या फू अनकर और जो भी पहुंची तुमको कोई मुसीबत वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से तुम्हारी अपनी गलती से आई और वो बहुत सी गलतियां तो माफ कर देता है दरगुजर कर जाता है कदा अभी आलि फिर देखो हाल फिर आल का उनकी हाल की तरह उन पर भी जो मुसीबत आई तो क्यों आई उनके अपने हाथों की कमाई क्योंकि मुसलम खुली खुली निशानियां ले लेकर आए थे लेकिन वो मान के ही ना दिए वल्लिन मिन हम वही बात फिर दोहराई जा रही है देखो पिछली कौमों का हाल उन सब पे अजाब क्यों आया उनको अल्लाह ने क्यों पकड़ा कज़्ज़बू भी आया थे क्योंकि उन्होंने अपने रब की आयात को झुटला दिया फअहलकनाहुम ना तो हमने हलाक किया उनको उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको पकड़ा उनके गुनाहों के बुनियाद पर वो अगरकना आला फिर और आले फिर को तो हमने गर्क कर डाला वह कुल और वो सारे के सारे कानू जालिमीन जालिम लोग थे जैसे सूरत आराफ के शुरू में हमने पढ़ा ना कि जब भी किसी कौम पर अजाब है तो उन्होंने क्या कहा फमा का नावा कुन्ना जालिमी तो यहां भी और आले फिर का खास तौर पर जिक्र क्यों क्योंकि इन सारी कॉमों में दुनियावी एतबार से ताकतवर बाहर महजब और बहुत ही स्किल्ड और हर तरह की दुनियावी शान शौकत की अलामत और सिंबल थी जिसकी तहजीब के आसार अब तक मिलते हैं कैसा कैसा आर्ट और कल्चर और क्या कुछ उन्होंने उस दौर में किया था और उनकी इमारतों के निशान और आसार अब भी मौजूद हैं इन है हेबतनाक बिल्डिंग से समझ में नहीं आता कि वो बनाई कैसे गई होंगी इतने इतने बड़े पत्थर उठाए कैसे गए होंगे मुझे खुद जाने का इतफाक हुआ है जो मिस्र और हम कुछ ऊपर भी चढ़े बिलाखा इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जैसे इंसानी कद से कुछ ऊपर नीचे यहां यहां तक मेरे एक एक पत्थर आ रहा था नीचे से नहीं वन पीस वो इतना ऊपर में समझ में नहीं आता कि वो था के वहां तक और फिर पूरा एक पहाड़ के पहाड़ है मिस्र अगर आप देखे तो पहाड़ों की शक्ल में और फिर कार्विंग जुई हुई है और फिर हैरत की बात है आसपास कोई पहाड़ नहीं है यानी काट के बंदा चढ़ाए तो भी फिर वो उन दूर दराज इलाकों से कहा लाके मूव किए गए और फिर कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज वो पत्थर उसी तरह जमे जुड़े खड़े हैं कितने जलजले और तूफान और क्या कुछ दुनिया पे गुजरा है तो वो अल्लाह ने शायद इबरत की मिसालें छोड़ दी हैं इंसानों के सीखने के लिए कि देखो इंसान कितना भी तरक्की कर जाए लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता इन नशरत दवाब भी बेशक बदतरीन जानवर इन दल्ला ही अल्लाह के नजदीक अल्लादीन का वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया बस वो ईमान नहीं लाते पीछे भी हम पढ़ चुके हैं सूरत आराफ में उलाय का कल अनाम बल हम अदल उलाय का हम उलगा फिलून और सूरत फुरकान आय फोर्टी फोर में भी आता है इन हम अला कल अनाम बलहम अदलुसला इंसान जब अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता इन सारे कामों के लिए अकल इस्तेमाल करे अपने खालि को पहचानने के लिए अकल इस्तेमाल न करे तो फिर उस अकल ने क्या किया तो सबसे बड़ी नाकली और नासमझी क्या है अल्लाह की बात का इनकार अल्लाह के हुक्म से कुना उनमें से वो लोग आहतम जिनसे तुमने माहिदा किया इशारा है यहूद मदीना की तरफ जिनसे आपने हिजरत के बाद एक माहिदा किया था जो माह मिसाक मदीना के नाम से मशहूर है उस माहे की खास खसूसियत क्या थी क्या कहा गया था तो उसमें क्या तय पाया था उसकी कई शिके थी उनमें से एक शिक ये थी कि अगर कोई मदीना पर हमला आवर होगा तो मदीना में रहने वाले सब मिलकर उस टीटी की रूह से आने वाले दुश्मन का मुकाबला करेंगे लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जंगे बदर में कुरैश को हथियार बेचे फिर कहा गलती हो गई दोबारा मॉदा कर ले फिर मुयदा किया फिर आइंदा खदक के मौके पर भी और फिर काब्य अशरफ जो था वो जाके कुश को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाता तो फरमाया सुन खुजून आहदा हम फिर वो तोड़ देते हैं अपने अहद को फी कुल्ले मर हर बार हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं वादा करते हैं तोड़ते हैं फिर दोबारा कर लेते हैं फिर तोड़ते हैं वह लायत तकून और वो डरते नहीं है यानी अल्लाह से डरते नहीं इस बेअहदी में माहदों की खिलाफ वर्जी में ऐसे लोग अगर तुमसे बाकायदा लड़ने को आए तो क्या करना है उनके साथ फ़इम्मा इमातस फिल हम फिर अगर तुम पाओ उनको जंग में यानी अगर बाकायदा लड़ने आ जाए तो ये सोच के नहीं छोड़ा जाएगा कि इनसे हमारा तो माह है फर्रत भी बस भगाओ उनके जरिए यानी उनको ऐसा मारो ऐसी सजा दो कि उनके जरिए भगाओ किसको मन खल्फा हम जो उनके पीछे है पीछे कहा यानी जो लड़ने नहीं आए पीछे देख के इंतजार कर रहे हैं कि किस तरफ को हालात पलटा खाते हैं। ला अल्ला हम शायद कि वो भी सबक पकड़े नसीहत पकड़े सबक हासिल करें यहाँ पर तस्कफन्ना हम का लफ्स आया है इसका रूट है सकफा किसी चीज का इदराक करना पाना अगर तुम उनको देख लो पा लो समझ जाओ कि वो जंग में भी शरीक हैं बनफ से नफीस तो फिर उनकी खूब खबर लो फर्रज शर्रज का जो है ये शीन रे दाल से है तशरीद कहते हैं मुंतशिर करने को भगाने को इनके जरिए भगाओ यानी इनको ऐसा मारो कि इनको देखकर और भी नसीहत पकड़े औरों के लिए इबरत का नमूना बना दो किन के लिए इबरत का नमूना मन खल्फाह जो इनके पीछे इंतजार में है वो खुद लड़ने नहीं आए वह इम्मा तखाफन और अगर तुम डरो, खौफ करो नून मुशद्दद किसके लिए होता है ताकीद के लिए होता है और अगर तुम डरो मिन कवमिन किसी कौम से खियानत के बारे में यानी अहद शिकनी का डर हो तुम्हें किसी कौम से कौन सी कौम जिनसे तुमने अमन का माहदा कर रखा हो या किसी किस्म की तुम्हारी और उनकी कोई ट्रीटी यानी तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुहिदा किया गया हो और तुम्हें डर हो कि अब ये माहिदा तोड़ देंगे और ये कहां से पता चलेगा हालात से अलामात से जाहिर उनकी चाल ढाल से तो तुम उनसे खानत नहीं करोगे क्योंकि हदीस में साफ आता है ला तखुन मन खानक तुम उससे खयानत ना करो जिसने तुमसे खयानत की बल्कि इसके बरक्स क्या करो फंबिस तो फेंक दो नबजा का क्या मतलब पीछे पड़ चुके फेंक देना फेंक दो अलही उनकी तरफ क्या माहिदा तुम माहिदा वापस कर दो ट्रीटी खत्म कर दो अला सवा इन बराबर पर यानी वाजे तौर पर आमने सामने होके खुलेआम माहिदा खत्म करो ताकि उन्हें भी मनसूखी का इल्म हो जाए इन अल्लाह बेशक अल्लाह तबुल नहीं पसंद करता खायनों को खा इन की जमा है खायन खयानत कार लोग अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है लिहाजा तुम धोखा नहीं दो यानी दुश्मन को भी धोखा ना दो इस तरह बल्कि माहे को सामने रख के खत्म करो तो मुराद ये है कि अगर तुम्हें माहिद कौम से माह तोड़ने का खतरा हो तो तुम अलल ऐलान माहिदा खत्म करो इसके बारे में एक रिवायत भी आती है कि हजरत माविया और रूमियों के दरमियान एक माह था हजरत माविया और रूमियों के दरमियान एक माह था जिस माहे की मुद्दत खत्म होने के करीब आई तो हजरत माविया ने रूम की सरजमीन के करीब अपनी फौजें जमा करना शुरू कर दी मकसद यह था कि माहे की मुद्दत खत्म होते ही रूमियो पर हमला कर दिया जाएगा तो एक सहाबी हजरत अमर बिन अबसा के में ये बात आई कि हजरत माविया यूं तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने उसे गदर से ताबीर किया और एक हदीस बयान करके फरमाया कि ये माहे की खिलाफ वर्जी है इस पर हजरत माविया ने अपनी फौजें वापस बुला ली ये मुसरत अहमद की रिवायत है हदीस में आता है। लिकुल गिवामा कयामत के दिन हर धोखाबाज के लिए इस किस्म के धोखे से मुआदे तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा झंडा किस बात की अलामत होता पहचान की और उस झंडे पर लिखा होगा हाजी गदरत फल ये फलां की खिलाफ वर्जी है ये फलां ने धोखा फलां को दिया यानी रसवाई के लिए बेजती के लिए हकीकत यह है कि इस्लाम में खयानत कबीरा गुनाहों में से कल भी हमने खयानत के बारे में पढ़ा था और यहां पर साफ कह दिया कि, कि अल्लाह को खयानत पसंद नहीं किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी खयानत पसंद नहीं तो मुसलमान के साथ कहां से होगी आपने फरमाया चार बातें जिसमें हो वो पक्का मुनाफिक है और फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक हसलत भी हो तो वो मुनाफकत का एक हिस्सा है उसमें यहां तक के वो उसे छोड़ दे और हदीस शुरू इससे होती है इदा तुमेना खाना कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत कर दे धोखा दे जाए कॉन्फिडेंशियल बात को खोल दे किसी का राज राज न रखे कोई जिम्मेदारी पूरी तरह न निभाए जो भी खयानत की मुख्तलिफ किस्में हमने कल पढ़ी थी वह इजाहदा सा कर वाह जब बात करे तो झूठ बोले वह ईदा तो आहदा गदरा, और जब वादा करे तो धोखा दे जाए वादा ना पूरा करे वह इजा खास फजरा, और जब झगड़े तो गाली दे तो इन अल्लाह हिब्बुल खाए नीम अल्लाह को खानत कार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है हु? और ख्यात मुनाफकत की अलामत है और इसमें आप देखिए कि आम रोजमर्रा जिंदगी से हम सबको मिसालें लाके अपने आप का जायजा लेना चाहिए मसला आपको जब पेपर हल करना होता है तो उस वक्त इस बात की इजाजत नहीं होती कि आप एक लम्हे के लिए एक हर्फ भी किसी का देख कोई चाहे आपके ऊपर है या नहीं कोई देख रहा है या नहीं देख रहा इधर उधर निगाहों को घुमाना जो है वो भी खयानत है या आलम खा ए न इसी तरह अगर असाइनमेंट कहा गया कि खुद करो और खुद सोचो और गौर करो तो किसी की नकल करना या लेके तो ही कॉपी कर लेना ये बातें दुरुस्त नहीं यखून अमिन वला यस्तखफून यस्तखून अमिन खयानतकार लोग लोगों से तो छुप सकते हैं छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते और सिर्फ यह नहीं कि यह तो एक छोटी सी बात है ना कुछ थोड़े अरसे के लिए इम्तिहान है बाकी तो खत्म है लेकिन यह खयानत का मामला तो सारी जिंदगी के लिए मसलन शोहर बीवी के राज भी आपस के अमानत होते हैं इसी तरह दोस्तों की आपस की बातें इसी तरह कौमों की आपस के माहदे ये सारी चीजें और इसमें क्या हदीस में आता है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और बात करते वक्त इधर उधर देखे तो वो बात दूसरे पर क्या हो जाएगी यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और बताने वाला इधर उधर देख ले चाहे वो मुंह से ये ना भी कहे कि तुम मेरी ये बात किसी को ना बताना तो वो क्या हो जाती है अमानत हो जाती यानी मशवरा लेने वाला मसलन किसी ने आके आपसे कोई मशवरा लिया अब हर वक्त तो हर एक नहीं ये कह सकता देखो मैं तुमसे मशवरा कर तुम आगे नहीं कहना लेकिन अगर वो बात करते हुए इधर उधर देख रहा है तो उसको खुद ही उसको अंडरस्टूड होना चाहिए कि राज है ये इसको खोलना अब खयानत है अच्छा इसी तरह अगर कोई किसी से बात कर रहा है चुपके से तो दूसरे का क्या फर्ज बनता है कि वो भी अपने कान उधर लगा दे मैंने ये बात यहां अक्सर देखी है ये इंतहाई बदखलाकी की बात होती है इंतहाई बदखलाकी की कि दो लोग कोई बात कर रहे हैं और तीसरा साइड पे होके देख उधर रहा है और कान इधर लगे हुए किस लिए इस्लाम का हुसन क्या है छोड़े उन बातों को जिनसे आपका मतलब नहीं अगर इस बात में कोई भलाई हुई तो अल्लाह हमें सुनवा देगा बता देगा हमें तो जसूस करना जो है वो भी उतना ही बड़ा जुर्म है अब ये कानों की शानत होगी नहीं अगर किसी ने आपको बताना होता तो आपको बुला के बीच शरीक करता भी तुम भी जाओ मेरी बात में जब वो देख रहा है नहीं बताना चाहता तो चुपके चुपके सुनना भी ख्याल इसी तरह किसी के ने को लिख कर रखा हुआ वो तो खोल के पढ़ना ये भी ख्यालत है किसी की डायरी पढ़ना किसी के फोन सुनना किसी का पर्स खोलना बच्चों के भी बहुत तजस नहीं करना चाहिए क्योंकि तजस से मामला बिगड़ जाते हैं बाज हमें नहीं पता होता कि कोई चीज जो है वो किसी ने क्यों की हम सिर्फ एक रुख देखते हैं ना दूसरा नहीं देखते अगर आपको बच्चों का देखना ही है ना तो उन्हें सामने बिठाएं और बस्ता यूं उल्टे और खोले उनके सामने उनकी चीजें अगर जरूरत है ये ये तो मां बाप की बुजदिली की चोरी चोरी देखें ये नहीं होना चाहिए क्यों अगर आप ये करेंगे ना उनमें भी ये बदखला की आ जाएगी उनकी भी आदत बन जाएगी वो भी तेजस्व शुरू कर देंगे क्योंकि जो हम करते हैं वही आते हैं बच्चों में आगे फिर शरायत करती हैं अमीर माविया ने हजरत आयशा से पूछा था तो को मुझे कोई अच्छी से नसीहत लिख कर भेजो तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के हालात के तजस्स न करना वरना तुम उनके मामला को बिगाड़ दोगे जहां तजस्स शुरू होता है जैसे सुन गुन लेना चाहे यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है तो उससे क्या नतीजा निकलता है उससे ताल्लुक खराब होकर रह जाते हैं मामला बिगड़ जाते हैं भी इसलाह नहीं हो सकती अगर आप में जरूरत है तो जाके साहब बता दो भी ये बात ठीक नहीं लग रही देखिए अला सवा जब आपने हाँ कोई माहिदा तोड़ना तो सामने ला के रखो कि भैया ये मैं करने वाली हूं ताकि वो खुद ही पहले से ही चौकना हो वो उसमें नहीं आता लेकिन यह है कि उनको खबर ही ना हो यानी कि चुपके चुपके ये करें और फिर उसके बाद दिल में बदगुमानी रख लें फिर उसके बाद यह है कि उसके ऊपर मामला करें तो बच्चे क्या कहते हैं आप तो हम पे जुमला आपने खुद ही मुकम्मल किया क्योंकि ये इतना कॉमन हो गया ना कि बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं और फिर पता क्या होता है जब वो माँ बाप पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तो वो दूरी हो जाती है आपस में और वो दूरियां जो होती वो नहीं अच्छी होती फिर खानदानी ताल्लुका में भी जब बिगाड़ होता है ना जैसे सास बहू के ताल्लुक बिगड़ते हैं या और इस तरह देवरानी जिठानी के वट एवर जो भी माशे में एक घरों में पॉलिटिक्स चलती है उसके पीछे भी ये तजस्स होता है और अमूमन इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है अच्छा जाओ चुपके से देख के और फलाना क्या खा रहा है चुपके से देख के और फलाना किधर जा रहा है ये शैतानी अमल है और बच्चों को हम बिगाड़ते हैं साथ

ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته